हाय गाइस सब बढ़िया ऑडिबल वीडियो ओके ठीक है मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बिकॉज टुडे इज द फोर्थ डे वोंट वेस्ट एनी टाइम इन इंट्रोडक्शन एंड ऑल जो भी नए बच्चे हैं दिस इज अ फ्री वर्कशॉप एंड इट्स द फोर्थ डे एंड वी आर गोइंग टू कवर जी टी ओ सीरीज यस्टर डे वी हैड कवर्ड साइकोलॉजी सेशन सो इट्स द जी टी ओ डे टूडे तो जी टी ओ के दो दिन होते हैं एस एस बी के अंदर एंड वील बी कवरिंग बोथ और गाइज डाउट्स जो हैं हम लास्ट में लेंगे सी आई बी स्पीकिंग लो टुडे क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब है तो इट्स ओके इट्स ऑडिबल इतनी आवाज ठीक है जस्ट गिव अ थम्स अप अगर स्क्रीन बढ़िया से चल रही है तो ठीक है आई एम डूइंग स्क्रीन शेयर परफेक्ट सही है इट्स नॉट स्टक okay so we'll uh

in it's your फर्स्ट जीटीओ फर्स्ट डे एंड वैसे सेकंड डे आफ्टर गेटिंग स्क्रीन डेन तो जीटीओ के दो दिन होते हैं जीटीओ वन जीटीओ टू जीटीओ वन के दिन यू आर लाइक यू विल यूर गोइंग नाइन टेस्ट और सॉरी सिक्स टेस्ट और जीटीओ टू के दिन यू विल अंडर गोइंग थ्री टेस्ट तो ओवरऑल जीटीओ के कितने टेस्ट होते हैं ओवरऑल जीटीओ के हमारे नौ टेस्ट होते हैं ठीक है और ओवरऑल जब हमारी स्क्रीनिंग हो जाती है ना स्क्रीनिंग को छोड़ दो अब एक बार स्क्रीनिंग हो गए अब उसका कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा हमारा स्क्रीनिंग का अब समबडी हैड अ डाउट कि चेस्ट नंबर्स रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो यस चेस्ट नंबर्स रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो तुम्हें अब अलग से चेस्ट नंबर्स मिल गए उसके बाद में ग्रुप बन गए तुम्हारे अब इंडियन यू विल बी अंडरगोइंग 14 टेस्ट साइकोलॉजी के चार टेस्ट जीटीओ के नौ टेस्ट और एक इंटरव्यू तो हो गए तुम्हारे टोटल 14 टेस्ट ठीक है सो

जनरल सीक्वेंस की नॉर्मली इसी सीक्वेंस में टेस्ट होते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है लेट से अगर बारिश हो रही है मौसम अच्छा नहीं है और ऐसा दिख रहा है कि हाँ आज के दिन आपका जो इंडिविजुअल uh, ऑब्स्टिकल है वो करवाया जा सकता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि जी आपसे पूछे आपसे कंसल्ट करें और आपको समझाए कि अगर आज आईओ हो जाएगा तो हो जाएगा अदरवाइज कल इट विल बी स्लिपरी लोग गिरेंगे बच्चे गिरेंगे तो इफ बोध लाइक हम भी कन्विंस हो रहे हैं और हम कहने की

बाकी के तीन टेस्ट वो हम आगे कवर करते हैं तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन सी गाइस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले हमारा ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होगा ग्रुप डिस्कशन में तुम्हारे दो राउंड्स होंगे देयर विल बी टू कंडक्टेड फर्स्ट राउंड में क्या होगा यू विल बी गिवन टू टॉपिक्स बाय बाई जीटीओ सबसे पहले तुम आओगे जीटीओ विल इंट्रोड्यूस एंड बोलेगी बोलेंगे कि नाउ फॉर टू डेज वी विल बी अंडर गोइंग मेनी टेस्ट एंड वी विल बी गेटिंग टू नो ईच अदर थ्रू द टेस्ट उसके बाद में यू ऑल विल बी सिटिंग इन अ सर्कुलर मैनर सबके सब सर्कुलर सर्क्यूलर में सी हेयर कैन यू सी ये देखो सर्कुलर में बैठे तो ऐसे -ऐसे जीटीओ की तरफ तुम्हारे कान लगे हुए हैं आराम से सुनोगे जैसे तुम्हारा फेस इधर है लेट से जीटीओ तुम्हारे पीछे घूम रहे हैं तो तुम्हें यहीं पे तुम ऐसे नहीं की मैम की तरफ देखो तभी तुम्हें सुनाई देगा ये सब नहीं करना है वहां पे ठीक है सिटिंग पोस्टर मैटर्स तुमने टॉपिक सुने दो टॉपिक मैम ने बताया बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है जीटीओ थोड़ा धीरे बोले और तुम्हें सुनाई ना दे कि उन्होंने क्या बोला या क्या ऑप्शन बोले तो जो भी वो जीटीओ टॉपिक बोलेंगे उसके चार ऑप्शन भी होंगे कि अकॉर्डिंग टू यू वट डू यू फील की जो भी बहुत ज्यादा वट इज द मोस्ट और वट डू यू थिंक की जो वर्ल्ड प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग वो कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इधर टेररिज्म और टेंशन बिटवीन सुपर पावर्स कैसे भी चार रीजन हो सकते हैं सो यू हैव टू बोथ ऑफ द टॉपिक्स वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज उसके बाद जीटीओ तुम्हें थोड़ा सा टाइम देंगे वन या टू मिनट का डिस्कस करने के लिए कि कौन से टॉपिक पे तुम्हारा ग्रुप डिस्कस करना चाहता है ठीक है तो जब तुम डिस्कस करोगे तो इसीलिए ध्यान से सुनना टॉपिक ताकि तुम क्विकली अपना माइंड मेकअप कर सको कि कौन से टॉपिक पे तुम्हें तुम्हारा जी बोलना है कौन से टॉपिक पे तुम्हें ज्यादा पॉइंट्स आते हैं ठीक है थीके? किसी ने पूछा था हाउ मच करंट अफेयर्स मैटर तो करंट अफेयर तुम्हारे जीडी में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं और इंटरव्यू में मैटर करते हैं क्योंकि इंटरव्यू में भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लस जीके तो यू नेवर नो कि कहा से क्या क्वेश्चन पूछ जाए इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम करंट अफेयर से अपडेटेड रहो नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज पूछी जाती है प्लस अगर तुम्हें जी डी uh, में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है तो जैसा कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि आउट ऑफ दिस टू टॉपिक जो तुम्हें दो जी करने होते हैं पहला वाला जी इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलेटेड टू द करंट अफेयर ओनली जो भी हमारे आसपास के दुनिया में अभी चल रही है चीजें उन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक होगा वो तो बहुत जरूरी है माई वॉइस इज ब्रेकिंग लाइक वॉन्ट एनी ऑफ यू टू टाइप मैसेजेस इन चैट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी योर चैट राइट नाउ यू विल जस्ट रेज योर हैंड बिकॉज आई एम सींग यू कॉन्स्टेंटलीके Okay. सो so, फर्स्ट uh, हो गया तुमने सुन लिया अब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें ये वाला एंड नो मैटर अगर तुम्हारा मान लो तुमने सोचा कि तुम मैम ने दो टॉपिक बताए तुम्हें लगा कि दूसरा वाला टॉपिक पे तुम्हें ज्यादा पॉइंट आएंगे बट ग्रुप ने वो नहीं माना बिकॉज इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता कि तुम अपना पॉइंट कन्विंस कर सको कि चलो यही टॉपिक लेते हैं जो सा भी पूरे ग्रुप को ईजी लगता है ना वो फटाफट डिसाइड हो जाता है कि हम ये वाला टॉपिक लेते हैं तो वहां पर टेंशन नहीं लेनी है जो भी टॉपिक डिसाइड हो रहा है उस टॉपिक पे तुम्हें अपना पॉइंट बोलना है ठीक है फर्स्ट जी डी सेकेंड जी डी में क्या होगा टॉपिक इज गिवेन बाई दी टी सर और मैम बट यू डोंट है तो तुम्हारे पास चॉइस थी दूसरे वाले में तुम्हारे पास चॉइस नहीं होगी ठीक है उसके बाद जैसे ही मैम ने टॉपिक बोला वैसे ही यू हैव टू स्टार्ट द डिस्कशन डिस्कशन का जो टाइम होता है दिस टाइम इज टेन टू फिफ्टीन मिनट ओके और ये जरूरी नहीं है कि दस से पंद्रह ही हो लेट से कि अगर ग्रुप बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे जा रहे हैं कभी तुमने सुना होगा ना कि ऐसा भी होता है कि एक ही ग्रुप से पांच पांच बच्चे भी रेकमेंड हो जाते हैं छे छे भी रेकमेंड हो जाते हैं मेरे खुद के ग्रुप से हुए हैं तो ऐसा होता है कि अगर बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा पॉइंट रख रहे हैं ना एंड द डिस्कशन इज वेरी वेरी इफेक्टिव और फ्रूटफुल जो भी रिजल्ट आ रहा है और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है तो उस केस में जीटीओ तुम्हारा टाइम बढ़ा सकता है इट माइट बी कि तुम्हारा जीडी जो है वो 20 मिनट चले 25 मिनट चले और ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप में इतने अच्छे बच्चे हैं ही नहीं कि उनको जो जीडी है वो 10 मिनट में ही खत्म करना पड़ रहा है ठीक है तो इट डिपेंड्स टाइम वेरीज देन जो सेकंड होता है आपका अब ये खत्म हो गया अब इसके बाद सेकेंड uh, आएगा आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ये जो टास्क है ना जीडी और जीपीई और लेक्चरेट ये आपके इंडोर टास्क हैं ठीक है जीटीओ के टास्क तो हैं बट ये ग्राउंड से इनका कोई लेना देना नहीं है ये इंडोर या तो एक कमरे में होंगे या तो वहां पे शेड्स बनाए जाते हैं शेड के अंदर होंगे सो दीज आर इंडोर टास्क तो अब तुम्हें uh, जो अब मैनर भी देखो पहले यू विल बी सिटिंग इन अ सर्क्यूलर मैनर नाउ यू विल बी सिटिंग इन अ सेमी सर्कुलर मैनर थोड़ा सा आपको ब्रेक दे दिया जाएगा आपके पास हमेशा वो एनसीओ रहेंगे वो आपको बताते रहेंगे कि हाँ अब यहाँ आ जाओ लाइन बना के अब यहाँ बैठो वो सारा सेटअप लगा हुआ होता है ठीक है तो सेमी सर्कुलर मैनर में तुम लोग बैठ गए उसके बाद अच्छा ये सब मत करना कि जा रहे हो अपने सीक्वेंस वाइज जैसे जा रहे हो उसी सीक्वेंस वाइज बैठना पता लगा गलती से किसी और चेयर पे बैठ गए हड़बड़ी में नर्वसनेस के चक्कर में तो ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें वहां पर नहीं करनी है ठीक है इट शोज योर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की तुम्हारा माइंड कंफ्यूज है ठीक है जैसा बोला कि भाई चलो राइट टू लेफ्ट बैठ जाओ लेफ्ट टू राइट बैठ जाओ उस हिसाब से तुमको बैठना है हम तुम लोग सर्कुलर मैनर में बैठ गए वॉट इज जीपीई जीपीई जो है ना एक मॉडल होता है मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि वो मॉडल में प्रॉब्लम एक कंट्री साइड का मॉडल होगा जहां पे नदी जा रही होगी एक मेटल रोड होगा एक पगडंडी होगी एक अन रोड होगा रेलवे ट्रैक जा रहा होगा एम होगा पुलिस स्टेशन होगा और सिटीज के नाम होंगे इस तरीके का वो होगा बाकी अगर तुम्हें देखना है किस तरीके का वो मैप होता है एंड दैट कंट्री साइड मैप इज शोन ऑन अ बोर्ड जैसे यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को ये देखो ये बोर्ड पे तुम्हारा वो मैप बना हुआ होगा और इसी तरीके से तुम बैठोगे फिर जीप, जो जीटीओ है वो सबसे पहले नरेट करेंगे एक स्टोरी यूजिंग अ मॉडल एंड अ स्टोरी कार्ड ये रहा तुम्हारा मॉडल और स्टोरी कार्ड मतलब एक पेपर होगा ए फोर साइज का जिसको जिसके ऊपर में वो स्टोरी लिखी होगी और उसको वो लेमिनेट किया होगा तो वो उसको पढ़ेंगे उसको वो इतने डेलीकेट uh, मैनर में पढ़ेंगे कि एवरीबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वट द जीटीओ इज ट्राइंग टू से बट अगेन आई एम दैट दिस टाइम अ लेडी एंड शी वॉज बिट सॉफ्ट स्पोकन तो बहुत बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ रहा था तो इसीलिए बी प्रिपेयर अपने कानों को खोल लेना अच्छे से कि तुम ध्यान से सुन सको कि वो क्या बोल रहे हैं बिकॉज ये भी ये टास्क भी अगेंस्ट टाइम है एवरी टास्क इज अगेंस्ट टाइम अगर तुमने नहीं सुना ढंग से तो तुम भूल जाओगे चीजें और गलत वहां पे नहीं करके आना तो वो तुम्हें पूरा मॉडल बताएंगे दैट यू आर अ ग्रुप ऑफ टेन स्टूडेंट या एज मेनी स्टूडेंट एज यू आर अब अगर कॉमन सेंस यहां पर अप्लाई कर लेना गाइज बिकॉज आई हैव सीन अगर ऐसा बोलेगा कि यू 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 आर आर अ ग्रुप ऑफ एज एज मेनी स्टूडेंट्स एंड हैव कम फ्रॉम रामपुर एंड यू हैव कम फॉर कैंपिंग इन कैंपिंग ग्राउंड अब कोई जब वो पूरी स्टोरी बोल दी मैम ने उसके बाद तुम पूछो कि मैम हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स सो दिस इज अ कॉमन सेंस तुम जितने भी उस ग्रुप में होगे उतने ही तुम्हारे मेंबर्स होंगे ठीक है तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी चीजें वहां पे ध्यान रखना तो वो इस तरीके से स्टोरी होगी कि ये ये तुम जा रहे हो

का जो ड्राइवर है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है हैवीली ब्लीडिंग फ्रॉम हिज हेड और वो तुम्हें इन्फॉर्म तो एक प्रॉब्लम तो यही होगी कि वो इंजर्ड है फिर दूसरा ये होगा कि वाइल्ड ही वॉज बिकमिंग अनकॉन्शियस बट बिफोर दैट ही इन्फॉर्म्ड की वो रिपेयर पार्ट लेके जा रहा था और uh, गैस प्लांट के पास और वो गैस प्लांट ये जितने भी मैं नाम बोल रही हूँ ना ये सब तो मॉडल में, में दिखेंगे तो जैसे जैसे मैम वो बोलती जाएंगी वैसे वैसे तो मॉडल पर भी देखते जाओगे की अच्छा कहाँ है गैस प्लांट कहाँ है कैंपिंग ग्राउंड कहाँ है बोट हाउस ठीक है कहाँ पे है रोड जंक्शन तो इस तरीके की वो प्रॉब्लम होती है तो जिसमें दो दिन प्रॉब्लम होंगी तो मेनली चार प्रॉब्लम होती है या पांच प्रॉब्लम होती है तो इसमें तुम्हें जो है ना प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कि कौन कौन सी problem, कौन सी प्रॉब्लम प्रायोरिटी लेगी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है कि अगर चार प्रॉब्लम है इस स्टोरी के अंदर तो सबसे पहली प्रायोरिटी तुम किस प्रॉब्लम को दोगे हालांकि सॉल्व तुम सारे साथ में ही करोगे लेकिन एक प्रायोरिटी भी होती है तो वो तुम्हारे ऊपर है वो कैसे प्रायोरिटी देना है क्या करना है वो सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए इफ समबडी इज इंजर्ड देन डेफिनेटली इंजर्ड वाला इस जीपीई पे ना विल कम अप विद अपल कम अप विद अ लेक्चर स्पेशल लेक्चर बिकॉज यहाँ पे जनरल डाउट चल रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में हो जाएगा ठीक है आई कम अप विद अ स्पेशल लेक्चर ऑन यू ट्यूब ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू पी पे बहुत सारे डाउट्स थे ऑलरेडी आई हैव मेड अप अपडियो दो पार्ट्स में पी के ऊपर इट विल बी अपलोडेड सून ऑन यू मेजर प्रॉब्लम फाइंड ये करोगे उसके बाद क्या होगा देखो मैम आई तुम बैठे मैम ने तुम्हें ये मॉडल समझाया और मैम तुम्हें मॉडल समझाएंगी सॉरी मैं मैम 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 बोल रही बिकॉज मेरी लास्ट जीटीओ ही थे तो मुझे बस मैम ही याद आ रहा है सो दे विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू की ओके दिस इज मेटल रोड दिस इज अन मेटल रोड दिस इज दिस इज दिस दिस इज कैंपिंग ग्राउंड दिस इज रामपुर दिस इज रायपुर सब बताएंगी तुम्हें मैप के अंदर फिर तुम्हारा स्टोरी कार्ड पढ़ेंगी पढ़ने के बाद तुम्हें वन बाई वन स्टोरी कार्ड उठाना होगा और हाँ ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हें कुछ भी कैरी नहीं करना बिकॉज वहीं पे पेन के वहीं पे पेन होते हैं सारे तो जो पहला बच्चा बैठा होगा वही सारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट एक ले लेगा बाकी बांट देगा इस तरीके से सब में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सो नाउ यू विल ना यून फाइव टू रीड दैट कार्ड जो स्टोरी मैम ने अभी बोली जो तुमने कानों से सुनी वही सेम स्टोरी तुम उस कार्ड पे भी पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे और फिर तुम पढ़ते पढ़ते देखोगे भी अगर जितना मैम ने बोला उतना तो समझोगे लेकिन तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ आएगा ठीक है उसके बाद में तुम स्टोरी कार्ड ध्यान से पढ़ोगे ध्यान से देखोगे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे ध्यान से देखोगे कि हाफ आवरली बस है आवरली बस है कहां से कहा जा रही है ट्रेन कहां से कहा जा रही है कहां, कहां पे पुलिस स्टेशन हो सकता है तो बहुत सी चीजें तुम स्टोरी पढ़ते पढ़ते देखोगे पांच मिनट मिले तुम्हें स्टोरी पढ़ने के लिए उसके बाद जैसे ही पांच मिनट ओवर हुए मैम बोलेंगे कि अब ये कार्ड को उल्टा कर दो और तुम्हारे को ए शीट भी साथ में लिखी एक क्लिप ये दिख रहा है तुम्हें देखो ये क्लिप है इसके ऊपर स्टोरी कार्ड है ये स्टोरी कार्ड पढ़ रहे हैं और साथ में ये देखो यहां पे मॉडल को भी साथ में देखे जा रहे हैं जैसे है, है, दिए जाएंगे वो प्लान लिखने के लिए उस प्लान में तुम क्या क्या लिखोगे किस किस तरीके से लिखोगे वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगी शॉर्ट में बट इसमें तुम्हें क्या लिखना है कि जो चार प्रॉब्लम्स हैं या पांच प्रॉब्लम्स हैं जो तुमने स्टोरी में पढ़ी उन्हें तुम कैसे प्रायटाइज कर रहे हो और कैसे तुम उनको सॉल्व कर रहे हो ठीक है ये तुमने उस प्लान में लिखना है उसके बाद जैसे ही दस मिनट ओवर हुए सब लोग इस कार्ड को वापस से आ, कलेक्ट कर लेंगे मैम बोलेंगे कि चलो ठीक है अब एक एक करके कलेक्ट करते जाओ और पहला बच्चा वापस मैम को दे देगा तुम्हारी जीपी खत्म हो गई जीपी के बाद होगा तुम्हारा ग्रुप टेस्ट वन दैट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क अब जो तुम्हारा जीडी और जीपी हो रहा था वो इंडोर टास्क था लेकिन अब तुम्हें बुलाया जाएगा ग्राउंड के अंदर ग्राउंड के अंदर जब बुलाएगा तो ध्यान से ऑप्स्टिकल्स को देखना सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है चार ऑब्स्टिकल क्रॉस करने होते हैं इन चार ऑब्स्टिकल में यू हैव टू फॉलो वेरियस ग्राउंड एंड कलर रूल मैं ये बोल रही थी आई होप तुम लोगों ने देख लिए होंगे कि कैसे कैसे ऑब्स्टिकल होते हैं क्या क्या कलर रूल ग्राउंड रूल होता है फिर भी जिन लोगों को आदत है पका पकाया खाने की उनके लिए बनाया हुआ है मैंने रूल बट आई 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 रियली होप की तुम लोगों को जरूरत ना पड़े यहाँ से पढ़ने की तो इसमें जो टाइम दिया जाता है वो टाइम होता है चालीस मिनट या पैंतालीस मिनट इससे ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता ठीक है और अब डाउट आता है कि मैम वॉट और चार जो ऑब्स्टिकल क्लियर करने हैं वो कैसे करने हैं कि एक स्टार्ट लाइन है एक फिनिशिंग लाइन है एक ऑब्स्टिकल इसके अंदर कुछ कुछ होगा तुम्हें यूजिंग दीज हेल्पिंग मटीरियल क्रॉस करने होंगे ऑब्स्टिकल तो वट आर दीज हेल्पिंग मटीरियल्स इट इज यूजली ए रोप या तो लॉन्ग रोप होगी या तो दो छोटी छोटी रस्सियां होंगी या एक लंबी एक छोटी रस्सी होगी बट रोप होगी रोप विल बी देर उसके बाद एक फट्टा विल बी देर एंड देर विल बी अ बल्ली यहाँ पे तीन है एक बल्ली होगी वहां पे ठीक है फट्टा एंड अ वेट 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 होगा होगा तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ना वो इतना क्रूशियल कि तुम्हें ये मान के चलना है कि तुम्हारे पास ऑब्स्टिकल है और तुम्हें ये हर्डल क्लियर करनी है और तुम्हारे पास एक बहुत ही कीमती चीज है जो तुम्हें सेफली अपने साथ साथ एंड तक पहुंचानी है तो ये बहुत जरूरी है कि तुम लोग वेट का भी ध्यान रखो ठीक है वो वेट भी तुम्हारे पास होगा दैट वेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी हो सकता है वो एक होता है ना डब्बा सा बहुत बड़ा सा डब्बा कैन ले लो कैन के जैसा वो बड़ा सा डब्बा होगा ब्लू कलर का वो तुम्हें साथ साथ में कैरी करना करना होगा इधर इट विल बी अ बॉक्स इट इट कैन बी एनीथिंग बट यस इट इज हैवी वो इतना हैवी होता है कि एक बंदा नहीं उठा सकता दो बंदों को वो उठाना पड़ता है ठीक है उसको कैरी करने के लिए दो इंसान चाहिए और ये मत करना कि तुम अकेले ही उठा सकते हो तुम इतना स्ट्रगल कर रहे हो और तुम्हें दिखाना है कि नहीं भाई तुम्हें वेट की पड़ी हुई है और तुम, तुम अकेले ही उठा रहे हो मैंने क्या कहा ये जो तुम्हारे टास्क है ना जो आउटडोर टास्क है ये तुम्हारे बहुत मैटर करते हैं अगर तुम्हें आइडिया आ रहा है नहीं आ रहा है ये ये कम मैटर करता है पहले ये मैटर करता है कि तुम कितने कोऑपरेटिव हो टीम प्लेयर हो या नहीं हो ठीक है तो वहां पे टीम प्लेयर बनना ऐसे अकेले अकेले कुछ मत करना तो ग्रुप ये जो मैं सर्टेन रूल्स की बात कर रही थी वो ये रूल्स हैं ये था ना फॉलोइंग क्राउन एंड कलर रूल तो ये रहे वो रूल पहला ग्रुप रूल होता है फिर कलर रूल होता है रेड ब्लू व्हाइट ये मैं नहीं पढ़ के टाइम वेस्ट करने वाली हूँ ठीक है ये तुम खुद पढ़ लेना कि ये क्या क्या रूल होते हैं क्या क्या होता है डिस्टेंस रूल रिजिडिटी रूल एंड इन्फिनिटी रूल रिजिडिटी रूल बता दू मैं तुम्हें रिजिडिटी रूल का मतलब ये होता है कि कोई भी ना एक साथ अब ना हमें हमें क्या करना होता है हमें क्रॉस करना होता है हमें यहाँ से एंड तक जाना है तो ना वो फट्टा इतना बड़ा होगा बल्ली इतनी बड़ी होगी कि तुम सोचोगे यार यार हम तो स्टार्टिंग लाइन से फट्टा और बल्ली को अगर जोड़ दें सीधा सीधा लाके जैसे ये फट्टा है ये बल्ली है इसको जोड़ दे तो फिर आगे हम बढ़ जाएंगे तो तुम ऐसे नहीं टाई कर सकते क्योंकि एस एस बी वालों ने पहले ही ओवर स्मार्टनेस को हटा दिया तुम ओवर स्मार्ट बन के सोचो कि हम दोनों को जोड़ के आगे चले जाए तो कभी भी दो मटीरियल एक के आगे ऐसे करके टाई नहीं होंगे क्योंकि वो तो फिर तुम्हें तो दिमाग आगे नहीं लगाना पड़ा तुम तो सीधा ही टाई करके आगे पहुंच जाओगे इसलिए इन्हें और ध्यान से पढ़ लेना और और ध्यान से गूगल पे सर्च कर लेना ठीक है उसके बाद आता है तुम्हारा ग्रुप ऑबस्टिकल रेस दिस इज द ग्रुप ऑबस्टिकल रेस एंड स्नीक रेस यहां पे तुम्हें वेरियस ऑबस्टिकल्स को कवर करना है छह ऑबस्टिकल होते हैं मेरे ख्याल से ठीक है इनको तुम्हें कवर करके और ये डिफरेंट हो सकते हैं नॉर्मली uh, सेम ही होते हैं बट एक दो ऑब्स्टिकल में डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन टू की भोपाल में हो सकता हो एक आधा ऑब्स्टिकल कुछ और हो इसकी जगह कुछ और हो ठीक है तो ये सब काउंटर पॉइंट लेके मत आना कि ये जो आप बोल रहे हो ये यहाँ नहीं था वहां था ठीक है तो इसमें तुम्हें वेरियस ऑप्टिकल अब क्या होगा मान लेते हैं चालीस बच्चे स्क्रीनिंग हुए चालीस में से दस दस का ग्रुप बना तो कितने ग्रुप हो गए

टास्क जिसमें तुम कम्प्लीट करोगे दूसरे ग्रुप्स के साथ ठीक है तो अब क्या हुआ चारों ग्रुप को खड़ा कर दिया अब जो जीटीओ होंगे वन ऑफ द जीटीओ और हर ग्रुप के अलग जीटीओ होंगे ठीक है तो वन ऑफ द जीटीओ विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ठीक है तुम्हें अब क्या करना है तुम्हें ये ऑब्स्टिकल क्रॉस करने हैं एंड uh, सारे के सारे लोगों को एक साथ जाना है और जब तक तुम अगले ऑब्स्टिकल में नहीं सेम है सेम रूल्स हैं एक्सेप्ट सम ऑफ द रूल्स कि तो जो भी बच्चा लेट से कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑब्स्टिकल जैसे वन ऑफ द ऑब्स्टिकल ये रहा तुम्हें दिख रहा है ये तो अब ये हर ग्रुप के बच्चे कर रहे हैं ठीक है ठीके? हर ग्रुप के ये देखो ये स्नेक पकड़ा हुआ है यहाँ पे ये दूसरे ग्रुप ने स्नेक पकड़ा हुआ है तो देर आर सर्टन इन रूल्स तो तुमने ये क्रॉस किया अब कोई इतना चंट हुआ कि या फिर किसी की फिजिकल uh, uh, इतना अच्छा है उसका कि उसने ना पहली बारी में ये क्रॉस कर लिया लेट्स से उसने ये क्रॉस कर लिया वो यहाँ पहुंच गया लेकिन उसका ग्रुप नहीं पहुंचा तो वो सोचे कि अरे यार मैं तो पहुंच गया मैं अब अगले ऑब्स्टिकल पे चला जाऊं ऐसा नहीं होगा यू कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट ऑब्स्टिकल अनलेस होल ग्रुप रीचेस ठीक है और अनलेस होल ग्रुप कंप्लीट दैट प्रीवियस ऑब्स्टिकल इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम टीम में काम करो इंडिविजुअलिटी वहां पे शो नहीं करनी है एक सबसे बड़ा आ, ये चीज हो गया उसके बाद कैरिंग स्नेक ये तुम्हारा स्नेक है दैट इज नॉट अ रियल स्नेक इट इज अ लाइट वेट लॉन्ग रोप थोड़ा सा मोटा होता है ये और ये इतना बड़ा होगा कि तुम्हारे दस के दस लोग अगर एक लाइन में खड़े होंगे तो उसको पकड़ सकते हैं ठीक है थीके? और सुनो सबसे बड़ी गलती जो यहाँ बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि जब ये ये रूल है रूल और भी है वो जो रूल मैंने पीछे दिखाए ना ये सारे पढ़ लेना यही रूल वहां अप्लाई होंगे कलर रूल भी वहां अप्लाई होगा जैसे यहाँ पे ना कहीं, कहीं ये दिख रहा है तुम्हें तो रेड ये रेड ये रेड को नहीं टच करना वो यही देख रहे हैं कि बच्चे जोश में होश खो रहे हैं या नहीं खो रहे हैं ग्रुप में हो तुम टीम वर्क कर रहे हो और लोग भूल जाते हैं कि अरे रेड है यहाँ पे तो हमें टच ही नहीं करना या फिर हर किसी की लेन बनी हुई है बोलेंगे कि दिस लेन इज फॉर ग्रुप वन दिस लेन इज फॉर ग्रुप टू दिस लेन इज फॉर थ्री एंड दिस लेन इज फॉर फोर बट जोश जोश में क्या करेंगे कहीं भी घुस जाएंगे ये सब गलतियां नहीं करनी है वहां पे इसी के नंबर तुम्हें मिलेंगे ठीक है एक सबसे बड़े रूल में गलती बच्चे ये करते हैं जब तक नीचे हैं तब तक स्नेक सारे पकड़ेंगे दिस इज मैंडेटरी जैसे ही ऑब्स्टिकल कर रहे हैं अब ये अंडरस्टूड है कि भाई सारे लोग एक साथ स्नेक पकड़ के ऑब्स्टिकल नहीं कर सकते तो उन्होंने भी रूल उसी हिसाब से बनाया हुआ है दैट वाइल्ड डूइंग द ऑब्स्टिकल ओनली थ्री पीपल कैन होल्ड द स्नेक बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्री पीपल टू होल्ड द स्नेक एनी थ्री ऑब्स्टिकल करते हुए तीन लोगों को स्नेक पकड़ना है बाकी पकड़े नहीं पकड़े लेकिन जो ग्राउंड में है उनको स्नेक पकड़ना ही पकड़ना है ठीक है

चढ़ गए अब यहां से नीचे उतरे नीचे उतरने में भी चलो पकड़ लिया पकड़ लिया स्नेक पकड़ लिया अब इतने जोश में आ गए नीचे जैसे ही उतरे वैसे ही स्नेक छोड़ दिया ये मत करना ये बस याद रखना कि अगर स्नेक नीचे पहुंच गया नीचे है और तुम भी नीचे खड़े हो ग्राउंड पे तो तुम्हारा हाथ स्नेक पे होना ही चाहिए ये मैंडेटरी है जोश में होश नहीं खोना है बहुत बच्चे खोते हैं और यहीं पर नंबर कटते हैं उनके

तुम्हें ऊपर यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है और फिर यहाँ से कूदना है ये देखो ये रेड है ये रेड है ये रेड है, है इसे नहीं टच करना तुम्हारी लेन ये है गलती से इस लेन में मत चढ़ जाना ठीक है मतलब जो तुम्हारी लेन होगी उसी लेन से चढ़ोगे चढ़े 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 चले गए अब यहाँ आए यहाँ पे तुम्हें एट बनाना होगा फिगर ऑफ एट एनसीसी वाले बच्चों को पता होता है वैसे बता दू एट कैसे बनता है मतलब वो तुम और हर चीज का तुम्हें डेमो दिया जाएगा अगर तुम्हें नहीं पता है ना तो फालतू का और सुनो डोंट आस्क इलिवेंट डाउट गाइड डोंट आस्क डाउट विच कैन बी आंसर्ड ईजिली और विच कैन भी फाउंड इजीली मेरे से जनरल डाउट पूछो टाइम कम है तो ऐसे डाउट पूछो जो कहीं अवेलेबल नहीं है अगर तुम ये डाउट पूछो कि मैम व्हाट इज फिगर ऑफ एट या कैसे एट बना के तो भाई सर्च कर लो ना ये तो सर्च किया जा सकता है सो डोंट आस्क डाउट्स जो कि तुम आराम से सर्च कर सकते हो क्यों जा स्पून फीडिंग तो ये एट बनाना होता है वो तुम्हें वहां पे वो भी देंगे डेमो uh, भी देंगे हर चीज का डेमो देंगे और ये रेड देख रहे हो ये रेड इसीलिए कि तुम इसे टच ना करो बट वहां पे बच्चे करेंगे और सुनो तुम्हें क्या करना है तुम्हें खुद तो रूल तोड़ने नहीं है और अगर कोई तोड़ रहा है तो ये नहीं बोलना ओ चेस नंबर यू आर ब्रेकिंग द रूल या ये वो ऐसे डांटना नहीं है उसको उसको ऐसे बोलना चेस नंबर प्लीज टेक केयर ऑफ द रूल योर हैंड इज गोइंग ऑन द रेड पोर्शन बहुत ही प्यार से बोलना है ठीक है ठीक है ये तीसरा वाला यही जो बच्चे कर रहे थे ये यहाँ पे लेन बनी हुई है ये देखो ये रेड और ये रेड एक लेन है तो ग्रुप वन यहीं से जाएगा फिर ये रेड और ये रेड ये दूसरी लेन है ग्रुप टू यहीं से जाएगा ठीक है ये करना है तुमको उसके बाद में ये है डबल वॉल डबल वॉल में क्या होता है यहाँ पे तुम्हारा ग्रुप नीचे पहुंच गया अब यहाँ से ये फर्स्ट लेन सेकेंड लेन थर्ड लेन फोर्थ लेन यहाँ से तुमको ऊपर चढ़ना है ऊपर चढ़ के अहा पे चल के जाना है ये तुम्हें ये दिख रहा है ये ना काफी डिफिकल्ट होता है कुछ बच्चों के लिए बिकॉज वो बैलेंस नहीं बना पाते प्लस ये थोड़ी हाइट पे होता है तो इसे बहुत ही ध्यान से करना है और फिर यहाँ से नीचे उतर जाना है तो यहाँ पे क्या होता है कि दो बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं जो जिनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है फिर वो बाकियों को खींचते हैं फिर किसी का बैलेंस अच्छा होता है तो वो यहाँ से आगे चल के चल जाता है और फिर यहाँ पे खड़ा होके बाकियों को हाथ पकड़ के हेल्प करके लेके आता है ये हो गया और ऐसे ही सोचो कि ऐसे ही तुम्हें स्नेक को भी लेके जाना है तो वहां पे हो जाता है ठीक है उसके बाद में ये आता है तुम्हारा सिंगल वॉल ये मोस्टली क्या होता है लड़कियों के लिए या तो मना कर देते हैं या तो होता है तो कर लेते हैं लड़कियां उसमें भी ये बहुत ही ऊंची हाइट की वॉल होती है जिसको आपको कवर भाग के जाना है एक बंदे को ऊपर चढ़ के नीचे उतरना है तो वो वही है जो सबसे ज्यादा हाइट वाला होगा वही करेगा अब यहाँ पे एडमेंट मत हो जाना कि अरे भाई मैं ही जाऊंगा अगर तुम मेरे जैसे हो आई एम ओनली वन सेंटीमीटर तो मैं तो नहीं कर सकती ना तो मैं खुद ही चुपचाप पीछे हट जाऊंगी मुझे अननेसेसरी अपने आप को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है ठीक है यहाँ पे दिखती सी बात है कि भाई जो लंबा बंदा होगा वो ही जा पाएगा इतनी ऊंची दीवार है ये तो वो जाएगा वो नीचे उतरेगा और यहाँ पे एक रोप लटकी होती है फिर वो इस रोप को इस तरफ ऐसे हवा में वो करके ले आएगा ताकि बाकियों के लिए रोप के थ्रू ऊपर चढ़ने में आसानी हो और वो रोप बहुत लंबी नहीं होगी वो रोप सिर्फ यहाँ से इतनी तक आएगी सिर्फ तो इतनी तो पकड़ी जा सकती है और बाकी जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो हेल्प कर रहे होंगे उनको ऊपर चढ़ाने में तुम यहाँ से भी उतर गए तुम्हारा और सुनो तुम्हारा स्नेक हर ऑब्स्टिकल के थ्रू गुजरेगा इसीलिए बोलते हैं कि एक ऑब्स्टिकल पे मिनिमम तीन लोग रह सकते हैं तब भी काम चल जाएगा ये जो लास्ट वाला होता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है जैसा मैंने सुना है मुझे कोई डिफिकल्ट नहीं लगता बिकॉज आई एम गुड मेरी फिजिकल एक्टिव वो एक्टिवनेस सब बढ़िया है तो तुम भी अपनी बढ़ा लो ताकि तुम्हें किसी चीज से डर ना लगे बैलेंसिंग बना लो डर ना लगे बट जो ये ऑब्स्टिकल है ना इसमें बहुत सारे लोगों को डर लगता है और बहुत सारे लोग गिरते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है सिर्फ इसी वाले ऑब्स्टिकल पे इंजर्ड होते हुए ये तुम्हें बेशक अभी छोटा दिख रहा होगा ये छोटा है ये बड़ा ये पिक्चर बड़ी है ये इसलिए तुम्हें बड़ा दिख रहा होगा ये छोटा सा ऑब्स्टिकल है ठीक है और ज्यादा हाइट भी नहीं है बट ये वाला ऑब्स्टिकल ऊंचा है काफी ऊंचा है ठीक है तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे ना कट लगे हमें ताकि तुम्हें आसानी हो चढ़ने के लिए अगर तुम्हें दिख रहे हो ये कट्स तो ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा और तुम्हें सिर्फ बैलेंस बनाना है और तुम्हें पकड़ने के लिए कुछ है भी नहीं यहाँ पे अब क्या करोगे तो इसीलिए तुम्हें मंकी की तरफ बहुत ही ध्यान से इसको चढ़ना है और अगर मान लो तुम्हें नहीं भरोसा होता कि तुम स्नेक कैरी कर सकते हो तो चुपचाप ऊपर चढ़ के नीचे उतर जाना जिन लोगों को भरोसा होगा यहां पे कि वो लोग हां स्नेक कैरी कर सकते हैं उनका बैलेंस अच्छा है उनको करने देना ठीक है फालतू में अपने आप को चोट मत लगा लेना बिकॉज इट इज जस्ट द जीटीओ वन डे अभी तुम्हारे पास बहुत ऑब्स्टिकल बहुत टेस्ट और बाकी है, जहां पे तुम्हें करना है तो ये करा और अगर तुम्हें करना ही है तो फिर अभी से अपनी फिजिकल फिटनेस बढ़ाओ ठीक है और बैलेंसिंग बढ़ाओ ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसलिए इस, आ, इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी हो तुम्हारे पास कामनेस भी हो अगर जल्दी नर्वस हो जाते हो हाइट से डर लगता है तो देखो भाई क्या कर सकते हो तुम ठीक है ये रहे सारे ऑब्स्टिकल आगे बढ़ते हैं अब तुम्हारा ये स्नेक रेस खत्म हो गया उसके बाद में तुम्हारा आता है हाफ ग्रुप टास्क जैसे तुम्हारा पीजीटी हुआ था ये देखो ये पिक्चर निकाली है मैंने यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है अच्छा सुनो कलर रूल में यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कलर रूल में मैंने ये ब्लू लिखा है ना दिस ब्लू कैन बी ब्लू और येल्लो ठीक है ब्लू और येल्लो तो ये मत बोला मैम यहाँ पे तो येलो दिख रहा है आपने कलर रूल में येलो का तो जिक्र नहीं किया इधर द कलर विल बी येलो और द कलर विल बी ब्लू और दोनों का बोथ सिग्निफाई द सेम रूल ओके तो ऐसा सा तुम्हारा ऑब्स्टिकल होगा ये तुम्हें दिख रही है यहां से देखो ये ये है तुम्हारी स्टार्ट लाइन इस ऑब्स्टिकल की मैं बात कर रही हूं यहां से लेके यहां तक दिस इज योर स्टार्ट लाइन दिस इज योर फिनिशिंग लाइन अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो यहां कहीं पे स्टार्ट लाइन होगी ये है एंड लाइन ऑफ द फर्स्ट ऑब्स्टिकल देन ये है स्टार्ट लाइन ऑफ द सेकंड ऑब्स्टिकल एंड ये है एंड लाइन ऑफ द सेकंड ऑब्स्टिकल देन अगेन स्टार्ट लाइन ऑफ थर्ड ऑब्स्टिकल एंड लाइन ऑफ थर्ड ऑब्स्टिकल देन अगेन स्टार्ट लाइन ऑफ फोर्थ ऑब्स्टिकल एंड एंड लाइन ऑफ फोर्थ ऑब्स्टिकल ऐसे करके ऑब्स्टिकल है पीजीटी में तुम्हारे ऐसे तुम्हें क्रॉस करके जाना है ठीक है अपना

या बड़ा नहीं भी होगा तो मैटर नहीं करता सिर्फ एक ऑब्स्टेकल होगा या तो ये या तो ऐसा सा कोई या तो ऐसा सा कोई तो कोई एक ऑब्स्टेकल होगा तो रूल जो है हर जगह सेम होंगे एक्सेप्ट वन रूल की तुम एक एक्सेप्ट ग्रुप रूल ग्रुप रूल क्या था कि सारा ग्रुप आगे तभी जाएगा जब पिछला ग्रुप जो है जब सारे के सारे बच्चे ऑब्स्टिकल को क्लियर कर सके नाउ टेल मी अनमोल क्यों है ये रूल ग्रुप रूल क्यों नहीं है हाफ ग्रुप टास्क में I think her video is stuck. All right. Uh, Kumar saying, you tell me. Applying your common sense. Am I audible? Am I visible, guys? No reply. Hmm. Okay. Guys, screen visible.

ही इज करेक्ट बिकॉज ग्रुप रूल का मतलब ये है कि आप जब तक अगले ऑब्स्टिकल में नहीं जाओगे जब तक आपका पूरा ग्रुप रीच नहीं करेगा और यहाँ पे ग्रुप रूल लगेगा ही नहीं बिकॉज यहाँ पे तो चार ऑब्स्टिकल है ही नहीं यहाँ पे सिर्फ आपको एक ऑब्स्टिकल करना होगा एंड योर ग्रुप विल बी डिवाइडेड इन हाफ लेट से पीजीटी आपने दस लोगों में किया एच आप पांच पांच लोगों में करोगे ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे पूछते हैं है, uh, मैम पूछेंगे या सर पूछेंगे कि ओके हाउ डू यू वॉन्ट मी टू डिवाइड द ग्रुप तो रटे रटा ये आंसर

वहां पे होंगे बच्चे बोलने वाले ऐसा तो उनको नजरअंदाज कर देना ठीक है जो ये हाफ ग्रुप टास्क होता है ये इसीलिए बनाया गया है तुमने पीजीटी कर लिया के नाश एच जी टी का मतलब क्या है तो उसका मतलब ये है कि मान लो ग्रुप में इतना होता है कि दस लोगों में तुम नहीं बोल पाए यू आर शाय इन नेचर यू यू हेजिटेट इन टॉकिंग जब इतने सारे लोग बोल रहे होंगे बेशक तुम्हें आइडिया आ रहा है लेकिन तुम्हें अः यहाँ पे तुम बो, बोल नहीं पाए पीजीटी में क्योंकि दस लोग थे तो उसी के लिए जीटीओ की ओपन माइंड फॉर एवरीबडी एंड जीटीओ वांट्स टू सी कि हर किसी के पास आइडिया है या नहीं है या फिर गिवन अ चांस मान लो दस में तो आप नहीं बोल पाए लेट से कि आप में पांच में बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो दिस इज द ओनली रीजन हाफ ग्रुप टास्क कंडक्ट करवाया जाता है ठीक है हाफ ग्रुप टास्क हो गया उसके बाद में ग्रुप टेस्ट सिक्स ये जो तुम्हारा होता है ना दैट इज लेक्चर ये आज का तुम्हारा सिक्स है और ना ये तुम्हें छह टास्क दिख रहे हैं बट ये ना ऐसे हो जाते हैं मतलब तुम्हें लगता है टाइम कहाँ गया बिल्कुल टाइम का तुम्हें पता नहीं लगेगा कहां टाइम चला गया ये तुम्हारा सुबह स्टार्ट होगा तुम्हें जितने भी बजे रिपोर्टिंग के लिए बोलेंगे नौ साढ़े नौ बजे तुम्हारा स्टार्ट होगा रिपोर्टिंग तुम्हारी पहले से होगी बिकॉज तुम पहले से ही ब्रीफ कर दिए जाओगे हर चीज के लिए तो तुम्हारा टास्क स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली नौ साढ़े नौ साढ़े आठ भी हो सकता है कभी भी हो सकता है स्टार्ट खत्म तुम्हारा होगा जनरली साढ़े ग्यारह साढ़े बारह साढ़े एक जितने भी बजे अभी बोला मैम साढ़े एक नहीं होता डेढ़ होता है आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक बिहाइंड डेड बिकॉज साढ़े तीन साढ़े चार भी बोलते हैं ठीक है तो जल्दी जल्दी तुम्हारा ये खत्म हो जाता है आ, उसके बाद में यू आर फ्री जिन लोगों का इंटरव्यूजी लोग और, टास्क, टास्क और स्नेक रेस लेक्चरेट अगेन तुम्हारा इंडोर टास्क है जिसके अंदर तुम्हें एक लेक्चरेट देना होगा इट इज काइंड ऑफ एक्सटेम्पोर जैसे कि हमें ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है और हम ऑन द स्पॉट बोलते हैं वही हमें यहाँ पे करना है ये लास्ट टास्क ऑफ द डे होता है जिसमें अगेन यू विल बी सिटिंग इन सेमी सर्कुलर मैनर यहाँ पे ये इस तरीके से बैठे हैं पता नहीं ये कौन सी एस एस बी है और मे बी ये किसी अकेडमी की फोटो है यू विल बी सिटिंग इन अ सेमी सर्कुलर मैनर अगेन जैसे तुम जीपीई में बैठे थे और जीटीओ की जीटीओ मैम जो होंगे या जो सर होंगे वो देखो आप पीछे बैठे हुए हैं इसी तरीके से वो बैठे होंगे पहले वो तुम्हें आगे आगे ब्रीफ करेंगे कि अब हम लेक्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं लेक्चर में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एक कार्ड होगा आपके पास उस कार्ड में आपके पास चार टॉपिक होंगे दिख रहे हैं चार चार टॉपिक टॉपिक इस तरीके के चार होंगे यू हैव टू सेलेक्ट वन टॉपिक एंड देन यू विल बी गिव इन थ्री मिनट मतलब मोमेंट यू पिक दैट कार्ड ना उसी मोमेंट से तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो जाता है या फिर टाइम कैसे स्टार्ट होता है देखो सबसे पहले मैम ने तुम्हें ब्रीफ किया अब क्या होगा जो पहला बंदा है ना जितनी देर में मैम बोलेंगे अब पहले बंदे को कैसे मिलेगा तीन मिनट का टाइम प्रिपेयर करने के लिए तो उसने उस मैम बोलेंगे कि आ, या सर बोलेंगे कि जीटीओ विल से कि फर्स्ट पर्सन फर्स विल पिक द कार्ड एंड गो एंड प्रिपेयर फॉर द टॉपिक वट सो ही और शी वांट्स टू चूज फॉर थ्री मिनट्स एंड आई विल रिंग अ बेल और उस टाइम पे उन्हें आना है और अपना लेक्चरेट बोलना है ठीक है तो मीन वाइल बाकी बच्चे क्या करेंगे मीन वाइल जीटीओ विल से कि चलो अपने आप को एक एक करके इंट्रोड्यूस करो uh, अपनी हॉबी बताओ ये बताओ वो बताओ तो ये ये तुम बताओगे और और हाँ ध्यान से बताना इस चीज को भी लाइटली मत लेना बिकॉज जीटीओ विल बी नोटिंग डाउन ईच एंड एवरी थिंग ठीक है तो बाद में जब कमांड टास्क होता है तब वो आपसे बात करते हैं तो मे बी वो तब आपसे पूछेंगे अच्छा योर हॉबी इज दिस और तुम सोच में पड़ जाओ मैम को कैसे पता मेरी हॉबी ठीक है सो दे नोट डाउन एवरीथिंग ठीक है तो बहुत ही सीरियस किसी भी मतलब टास्क को हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है तो तीन मिनट के लिए पहला बंदा गया उसने तैयारी करी वो मैम ने बेल बजाई वो आया उसने बताया कि मैम इस टॉपिक पे मैं बोलना चाहता हूँ या फिर मैम बोलेगी कि तुम्हें जरूरत नहीं है टॉपिक बोलने की यू जस्ट है कार्ड टू मी और आगे आकर के अपनी स्पीच बिकॉज जिस पे भी वो लेक्चर देगा पता लगी जाएगा क्या टॉपिक चूज किया उसने सो टू इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे तुम उस हिसाब से काम करोगे ठीक है तुम गए तुमने लेक्चर दिया तीसरे बंदे ने तो जैसे ही पहला बंदा तीन मिनट के लिए लेक्चर डिलीवर करेगा वो जैसे ही पहुंचा जैसे ही बेल बजी बेल बजने पे जो दूसरा बंदा ना लेट से ये बंदा ये गया ये अब अपना ये फर्स्ट पर्सन है इसने अपना लेक्चर बोलना शुरू किया बेल बज गई जीटीओ ने बेल बजा दी उसी टाइम पे ये उठ के दूसरा कार्ड उठाएगा वहां पे कार्ड पड़े होंगे कार्ड उठाएगा और चला जाएगा और अपना प्रिपेयर करने लग जाएगा दैट्स हाउ एवरीबडी विल गेट थ्री मिनट टू प्रिपेयर सो द मूवमेंट द टाइम

ठीक है तो ये रहा कार्ड होगा का हो और तुम्हें उसके ऊपर एक टॉपिक पे बात करनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हमारा फर्स्ट डे ओवर हो गया अब तुम चले गए जिनका इंटरव्यू है वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे जिनका नहीं है वो आराम से रेस्ट करेंगे गेम्स खेलेंगे दोस्त बनाएंगे मस्ती करेंगे जीटीओ टू अगला दिन हुआ अगले दिन फिर तुम वही जीटीओ के कपड़े पहन के जाओगे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सबसे पहला जो तुम्हारा होगा टास्क अब तुम्हारा जीटीओ टू के दिन कुछ ज्यादा नहीं होता जीटीओ टू में सिर्फ तीन टास्क होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल उसके बाद होता है तुम्हारा कमांड टास्क फिर होता है तुम्हारा फाइनल ग्रुप टास्क ठीक है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल क्या होता है ये बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस तुम्हें किसी चीज का डर तो नहीं है हाइट का या किसी भी और चीज का उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और इसमें दस ऑब्स्टिकल होते हैं टोटल पॉइंट होंगे फिफ्टी फाइव पॉइंट इसमें भी जी तुम्हें सारी चीजें बताएंगे आपको हर ऑब्स्टिकल के पास ले जाके समझाएंगे कि ये है ये है ये रेड दिख रहा है इसमें तुम्हें टच नहीं करना तुम्हें यहाँ से ये लड़कियों के लिए ये लड़कों के, के लिए यहां से कूदना और यहां पहुंचना ये रेड रेड दिख रहा है है टच नहीं करना जहां पे भी दैट इज आउट ऑफ बाउंड फॉर यू तो जीटीओ तुम्हें हर चीज समझाएंगे ठीक है सारे ऑप्शिकल समझा दिए टाइम बता दिया अब ये बताएंगे कि तुम्हारे पास है तीन मिनट का टाइम तो सेम जैसा लेक्चर में प्रोसीजर चला था वैसे ही चलेगा जैसे ही मैम बोलेंगे की ओके फर्स्ट पर्सन उस ऑब्स्टिकल के पास आ जाएगा जिस ऑब्स्टिकल से उसको स्टार्ट करना है अपना ऑब्स्टिकल फिर वो करता रहेगा करता रहेगा जैसे ही ढाई मिनट होंगे एक बेल बजेगी और या सीटी बजेगी सीटी पे समझ जाएगा जो बंदा वहां दूसरा बैठा हुआ है कि अब मेरी बारी है वो उठ के फटाफट ढाई मिनट में ही वो फटाफट भागेगा और वो उस ऑब्स्टिकल पे जाएगा जहां से उसको स्टार्ट करना है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल विल ब्रीफ यू ईच एंड एवरी थिंग अबाउट दी ऑब्स्टिकल देन देयर विल बी वन पर्सन हु विल बी गिविंग यू डेमोस्ट्रेशन दैट विल नॉट बी अमंग यू ग्रुप मेंबर्स नो वो वहां पे प्रोफेशनल जो आर्मी में है वो ही आपको बता जो भी सर्विसेज में है वही आपको डेमोस्ट्रेशन देंगे कि कैसे इस ऑब्स्टिकल को किया जाएगा हर चीज दिखाई जाएगी जैसे ही टास्क स्टार्ट हुआ ए, पहले कैंडिडेट अपने ऑब्स्टिकल कर रहा है ढाई मिनट हुए बेल बजी बेल बजी तो दूसरा कैंडिडेट फटाफट भाग के उस ऑब्स्टिकल पे चला जाएगा जिस ऑब्स्टिकल से वो चाहता है कि उसको स्टार्ट करना है बिकॉज देर इज नो लिमिट कि आपको कहां से स्टार्ट करना है कहाँ पे खत्म करना है ये आपकी मर्जी है ठीक है वो चला गया लेकिन अब उसको स्टार्ट नहीं करना लेट से कि वो फटाफट गया ढाई मिनट में स्टार्ट करने लग गया नहीं उसको वेट करना है वो जाके खड़ा हो गया उस के जिस, जिस से उसको करना है अब मैं तो पिक्चर के यहाँ पे आ गए ठीक है अब तुम स्टार्ट नहीं करोगे तुम स्टार्ट तभी करोगे जब तीन मिनट की बेल बजेगी एक बेल बजी तो मतलब ढाई मिनट हुए जब दूसरी बेल बजेगी बहुत जोर वाली थोड़ी लंबी बेल होगी वो तब तुम स्टार्ट करोगे

टाइम अब तुम्हें ऑब्स्टिकल खत्म कर देना है अब ऐसा होता है कि मान लो तुम यहाँ बीच में पहुंचे हुए और तुम्हारे तीन मिनट ओवर हो गए बेल बज गई, तो वहां पे भी तुम्हें ब्रीफ किया जाता है कि अगर तुम अप्रोच कर रहे हो ऑब्स्टिकल को पहुंचे नहीं हो ऑब्स्टिकल पे तो तुम खत, रुक जाओगे और अगर मान लो बेल बज गई तो और तुम ऑब्स्टिकल के बीच में हो तो तुम ऑब्स्टिकल को कंप्लीट करोगे ठीक है ये वहां पे ब्रीफ किया जाता है तो वहां पे चलाकी वलाकी कुछ मत करना और हाँ सुनो अगर तीन मिनट ओवर हो गए और तुम्हें दिख रहा है कि पहला वाला जो बच्चा है वो अभी यहीं पहुंचा है अब तो उसे कंप्लीट करना ही है ऑप्स्टिकल तीन मिनट पूरे हुए तो तुम उसका वेट कर रहे हो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ठीक है तुम्हें उसको नहीं देखना जैसे ही तीन मिनट पूरे हुए नेक्स्ट कैंडिडेट को स्टार्ट कर देना अपना टास्क ये होता है यहाँ पे और कुछ नहीं होता अब क्या होता है कि दो ऑप्स्टिकल जो होते हैं वो आउट ऑफ बाउंड होते हैं आ, लड़कियों के लिए मतलब आउट ऑफ बाउंड होते एक्सेप्शनल होते हैं क्या एक्सेप्शनल होगा एक होगा टाइगर लीप ये वाला मैं कह रही थी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना है फिर ऐसे कूद के लीप लेनी है और फिर इस रस्सी के थ्रू नीचे आना है और एक और है डबल डिच ये वाला भी लड़कियों के लिए एक्सेप्शनल है दिस इज कॉल्ड डबल डिच से तुम्हें आना है भाग के ये रस्सी कूद के ऐसे रस्सी पकड़नी है और यहां पहुंचना है और यहां से फिर यहां कूदना है ये डबल डिच होता, होता है ये भी एक्सेप्शनल होता है लड़कियों के लिए ठीक है लड़कों के लिए एक्सेप्शनल नहीं होता लेकिन इफ यू वॉन्ट टू रिपीट दी ऑब्स्टिकल देन यू हैव टू डू

यहाँ से कूदे और फिर यहाँ पे कूदते हैं अब ये सात नंबर का और तुम्हें बहुत आसान लग रहा है तुम्हें लगा कि ज्यादा नंबर ले लूंगा मैं इसी पे रिपीट करता रहू घूमता रहा यहीं पे ऐसा नहीं होगा यू कैन ओनली रिपीट दी ऑब्स्टिकल जब तक आप सारे कंप्लीट ना कर सको ओके ये सारे ऑब्स्टिकल है एक बार देख लो ये एक नंबर होता है कुछ नहीं है ये बस ऐसे चढ़ के जाना, जाना है और कूद जाना है यहाँ पे सैंड होता है डरने की जरूरत नहीं है लड़कियों को यहाँ से कूदना है ये ये दो नंबर का है ये ये बैलेंसिंग बीम है ये जो तुम्हें इतने अच्छे फट्टे दिख रहे हैं इतने अच्छे फट्टे नहीं होंगे मुझे डिफिकल्ट वाली फोटो मिली नहीं ये एक बल्ली टाइप होगा या फिर अगर फट्टे भी होंगे तो बहुत छोटे से एक, एकदम मतलब वृत उनकी बहुत कम होगी बैलेंस बनाने में बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे ठीक है तो कोशिश करना है दूसरे तीसरे ऑप्शिकल में कर लो क्योंकि बाद में हमारी टांगे थक जाती है तो वो हिलती रहती है तो बैलेंस करने में मुश्किल होती है और ये तुम्हें सेम प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना सेम नहीं होगा ऐसा सा होगा ये नीचे ये नीचे है तो ये थोड़ा ऊपर और ये थोड़ा और ऊपर ऐसा होगा ये ठीक है ये तुम्हारी स्क्रीन जंप है तुम यहाँ भाग के आओगे कूदोगे और जंप करोगे और इधर आ जाओगे ये स्क्रीन से टच नहीं करोगे अब जिनकी हाइट छोटी है ये जो लोग कूद नहीं पाते हैं जो लोग मोटे हैं उन्हें मैं बता दूं ये दिखने में बहुत आसान है बट यही मुश्किल है क्योंकि क्या होता है कि तुम यहाँ से आ रहे हो आ रहे हो अब तुम्हें कूदना है वो कूदने में तुम इतना हाइट नहीं ले पाते हो और तुम्हारी ये स्क्रीन जो है ना ये आ, वो है ये जुड़ी नहीं हुई ये सिर्फ रखी हुई है जैसे ही तुम यहां टच करोगे या तुम नहीं इतनी हाइट नहीं दे पाए तो तुम्हारी स्क्रीन नीचे गिर जाएगी और अगर नीचे गिरी तो तुम्हें दोबारा ऑब्स्टिकल करना पड़ेगा ठीक है किसी ने पूछा कि मैम अगर रूल ब्रेक हो जाए तो क्या अगर रूल ब्रेक हो जाए ढंग से नहीं करोगे वापस से ऑब्स्टिकल दोबारा करना पड़ेगा नहीं तो वो ऑब्स्टिकल तुम्हें तुम्हारा काउंट नहीं होगा लेकिन मान लो कि तुम चाहते हो तुमने एक बार कूदा और तुम्हें लगा कि यार ये स्क्रीन गिर गई तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं इतनी हाइट दे ही नहीं पाऊंगा कि मेरी स्क्रीन मतलब मैं इस ऑब्स्टिकल को पूरा कर सकूं और तुम्हें याद आए कि मैम ने कहा था कि नहीं तुम्हें दोबारा ही करना और तुम यहीं पे टाइम वेस्ट कर दो ऐसा कुछ नहीं है तुम चाहते हो कि चलो ठीक है चार नंबर गए गए मैं आगे के नंबर ले लूंगा तो आगे बढ़ जाओ लेकिन तुम्हें इसके नंबर नहीं मिलेंगे ठीक है तो वो तुम्हारी मर्जी है तुम क्या करना चाहते हो या तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अरे यार स्क्रीन गिर गई लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ दूसरे अटेम्प्ट में तो जोर से भाग किया और कर लो उसके बाद में ये होता है तुम्हारा पैरेलल रोप्स अः ये किस तरीके का होगा ये तुम्हें रो, दो रोप दिख रही है ये दिख रहा डिफिकल्ट है मतलब यहां तो बहुत इजी दिख रहा है देखने में वहां पर डिफिकल्ट लगता है बट हो जाता है और जिन लोगों की हाइट छोटी है मैं उन्हें बता दू की डरने की बात नहीं है इस तरीके से बनाया हुआ कि तुम आराम से इसको कर लोगे ठीक है और ये जो रस्सियां दी हुई है ये ऐसे दी हुई है कि तुम चढ़ोगे यहाँ पे तुम चढ़े तो तुम्हारी मर्जी अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे को इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि तुम रस्सी से चढ़ सकते हो तो रस्सी से चढ़ो वरना ये तुम्हारे लिए सीढ़ियां रखी हुई है और अगर तुम चाहते हो कि यहाँ सीढ़ियों से चढ़ो और रस्सी से उतरो तो वो भी कर सकते हो तुम्हारे पास सारे ऑप्शन है ठीक है अगला वाला ऑप्शिकल देखने दो क्या है अगला है टार्जन स्विंग ये छे नंबर का होता है तुम्हें यहाँ पे चढ़ना है ये रस्सी पकड़ दी है तुम्हें पकड़ाई जाती है नीचे वो खड़े रहते हैं इसको जोर से पकड़ोगे और ऐसे ऊ करते आ जाओगे वो वहां पे बोलेंगे कि टार्जन की तरह तुम्हें ऊ करनी है फ्रेशर्स को बहुत मजा आता है ये करने में ठीक है उसके बाद डबल प्लेटफॉर्म ये बताई चुकी यहाँ चढ़ना है यहाँ कूदना है यहाँ कूदना है ये इतनी अच्छी पिक्चर नहीं। है अंडरस्टूड अंडर स्टूडेंगे ये वाला बहुत डिफिकल्ट होता है डिफिकल्ट नहीं है ये लेकिन ये हिलता है क्योंकि बहुत पुराने ऑब्स्टिकल बने हुए हैं तो हमारे टाइम पे तो इतना हिल रहा था कि पूछो मत बहुत ही ज्यादा हिलता है ये तो बहुत ही ध्यान से करना तुम्हें अगर डर नहीं लगता तो आई विल सजेस्ट कि शुरू इससे करना क्योंकि तब हमारी टांगे वांगे हिल नहीं रही होती क्योंकि हम थके नहीं होते तो शुरू में कर लोगे तो हो जाएगा वरना बहुत ही ज्यादा हिलता है जहाँ पे नहीं हिलता हो जैसे गांधीनगर नया बना है सेंटर एस एस बी सेंटर तो वहाँ के तो बहुत ही बढ़िया है ऑब्स्टिकल लेकिन कई कई जगह पे बहुत ज्यादा हिलते हैं ठीक है बट इतना नहीं होता कि भाई तुम्हें लगे कि अरे मैम हम करेंगे नहीं हम तो गिर जाएंगे हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता वो वहाँ पे सेफ्टी सारी देखी जाती है तभी और ये जान के इंटेंशनली ऐसा होता है कि ये थोड़ा थोड़ा तो हिलता ही है ठीक है तो तुम्हें ना ऐसे चढ़ना और ये रेड देख रहे हो ये आउट ऑफ बाउंड है गलती से जब चढ़ रहे हो और ये भी आउट ऑफ बाउंड होगा ये 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 जो अभी व्हाइट है ना ये ये आउट ऑफ बाउंड होगा सिर्फ ये जो लाइनें हैं इस क्लाइम क्लाइम जो तुम क्लाइम करोगे वो ही सिर्फ तुम्हारा वाइट होगा डिपेंड करेगा तो जहां जहां रेड होगा वहां वहां हाथ मत रखना आ, यहां से चढ़ोगे चढ़ोगे ये एक चढ़ा दो चढ़ा तीन चढ़ा यहाँ पे बोलते हैं कि या तो तुम्हें फेवरेट मतलब कुछ भी बोलने को बोलते हैं कि जब तुम यहाँ चढ़ो तो या तो तुम कमांडो बोलोगे या अपना चेस नंबर चिल्लाओगे या अपना रोल मॉडल बोलोगे तो जो भी बोलने बोलते हैं वो तुम बोलोगे और बोलने के बाद तुम आ गया मेरा कर्सर बोलने के बाद तुम फिर उतरोगे 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 और फिर यहाँ से नीचे उतर जाओगे ठीक है ये नौ ऑब्स्टिकल है एक ये टाइगर लीप तुम्हें दिखा दिया ये तुम्हारे सारा आईओ खत्म हो गया अब तुम्हारा कमांड टास्क है कमांड टास्क मैं तुम पहले से ही बताती हूँ बहुत से डाउट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कमांड टास्क के कमांड में क्या होगा अब तुम फिर भी कम होते हैं ना कुछ लोग कंप्लेनिंग के एस एस बी ने ना इस तरीके के प्रोसीजर बताए कि आप किसी भी तरीके से कंप्लेन ही नहीं कर सकते हो कोई बोले कि अरे यार मैं तो इसीलिए रह जाता हूं क्योंकि मैं अपने वो ही नहीं बोल पाता आइडिया नहीं दे पाता ये नहीं कर पाता अरे भाई आइडिया नहीं दे पाए तो हाफ ग्रुप टास्क किस लिए बनाया था चलो हाफ ग्रुप टास्क में भी नहीं दे पाए तो कमांड टास्क किस लिए बनाया था वहां पे आइडिया दिखा देते ठीक है तो हर चीज बनाई गई है ताकि कोई एक्सक्यूज ना दे कभी कि यार मैं ये नहीं कर पाया था तो इसमें क्या होता है तुम्हें कमांडर बनाया जाता है इट इज सेम एज हाफ ग्रुप टास्क हाफ ग्रुप टास्क उसमें एक ही ऑब्स्टिकल होगा डिफरेंस इज ओनली कि इसमें सिर्फ एक बंदा परफॉर्म करेगा एंड दैट इज यू और तुम्हारे साथ करेंगे दो हेल्पर जो कि कुछ नहीं बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ तुम बोलोगे और हेल्पर तुम्हारी हेल्प करेंगे पिन ड्रॉप साइलेंस होंगे तुम्हारे हेल्पर्स तो कमांडर हो तुम तुम्हें जीटीओ ने बुलाया जीटीओ ने बोला यू हैव टू सेलेक्ट टू कैंडिडेट्स टू हेल्प यू मैं ऑलरेडी बोल चुकी अपने दोस्तों को तुमने बोला मैम आई वुड लाइक टू कॉल वुस्ट नंबर एंड उन्होंने बोला क्यों बिकॉज मैम एक मेरे राइट में सॉरी तुम सेवन हो तुमने बोला कि मैम आई वुड लाइक टू कॉल चेस्ट नंबर एंड ने पूछा क्यों बोला मैम एक मेरे पहले एक मेरे बाद में मेरे अच्छे दोस्त बन गए ये सब रीजनिंग नहीं देनी है वाहियात अच्छी रीजनिंग देनी है क्योंकि मैम तुम्हें समझाएंगे ज द फिनिशिंग लाइन दिस इज दिस दिस इज दैट और तुम्हें क्रॉस करना है तुम्हें समझा दिया जैसे ही वो समझाएंगे अपना दिमाग बंद मत करना देखते रहना कहाँ से क्या आइडिया अप्लाई हो रहा है ठीक है बाई द टाइम तुम्हें समझ आ जाएगा तब तक सब कुछ फिर उसके बाद तुमने हेल्पर्स अब वो बोलेंगे कि अब अकेले तुम करोगे नहीं सो कॉल टू कैंडिडेट्स टू हेल्प यू तुमने दो कैंडिडेट बोले बेशक वो तुम्हारे दोस्त ही हैं बट वहां पे रीजन अच्छा देना कि सिंस शी इज वेरी कॉपरेटिव आई सॉ हर हेल्पिंग आई सॉ हर टाइम रोप वेरी वेल जो भी तुम्हारी रीजनिंग होगी अच्छी रीजनिंग देना और ऐसे बच्चे बुलाना जो तुम्हें सच में लगते हो कि हाँ यार मुझे बुलाने चाहिए और अगर तुम्हें खुद को चाहिए कि तुम्हें लोग बुलाएं तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाओ अच्छे दोस्त बनाओ अच्छा बिहेवियर रखो दे विल डेफिनेटली कॉल यू ठीक है और कोई नहीं बुलाता है तो कोई दिक्कत नहीं और किसी को आठ नौ बार कोई बुला ले तो चने के झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस विल नॉट डिसाइड योर रिकमेंडेशन सो कीप ग्राउंडेड अब uh, तुम्हें सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स यहाँ पे तो यहाँ पे किस तरीके की होंगे जैसे एजीटी में होता है ना एक वैसे यहाँ पे भी एक ही ऑब्सटेकल होगा डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल होंगे डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल होगी ठीक है हो सकता हो किसी में एक सर्कल हो बॉम्ब डिफ्यूज करना हो किसी का डाउट था जो एक डाउट था कि मैम सर्कल में एंटर कैसे करे वो डाउट यही था कि कमांड टास्क में अगर एक सर्कल होगा और हमें अंदर से बॉम्ब डिफ्यूज करना होता है हमें अंदर खड़ा कर दिया जाता है और फिर हमें बाहर निकलना होता है या एक बॉम्ब एक जगह पे रखा होता है और फिर हमें यूजिंग दीज हेल्प

वहां भी इस तरीके के ऑप्स्टिकल बने होंगे कि तुम्हें दिमाग लगा के आइडिया आ जाएगा मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि कैसे अंदर जाऊं क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन दी ऑब्स्टिकल टाइप मैं थोड़ी ऑब्स्टिकल देख रही हूं अभी की बता सकूं कि इस तरीके से अंदर जाओ ठीक है या फिर रेस्क्यू करना होगा किसी को बोलेंगे कि ये फंसा हुआ है तुम्हारा ये वाला चेस्ट नंबर अब तुम इसे रेस्क्यू करो यहां से यहाँ लेके आओगे तो सेम ऑब्स्टिकल तुम्हें ना पीजीटी अगर कर लिया पीजीटी में जैसा ऑब्स्टिकल देख लिया बस उसी से रिलेटेड तुम्हारा एच है सेम ऑब्स्टिकल तुम्हारा कमांड टास्क में बस थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा वही सेम ऑब्स्टिकल तुम्हारा एफ में है जो तुम्हारा नेक्स्ट टास्क एंड द द फाइनल टास्क ऑफ जीटीओ टू डे है दैट इज कॉल्ड फाइनल ग्रुप टास्क ठीक है फाइनल ग्रुप टास्क में ये लास्ट डे है लास्ट टास्क है ऑफ जीटीओ फोर या फिर जीटीओ टू या फिर टेक्निकली देखा जाए तो डे थ्री तो इसमें तुम्हारा क्या होगा इसमें तुम्हारा सेम होगा इट इज सेम एज द एच जी टी सेम रूल एवरीथिंग फर्क सिर्फ इतना सा है कि एच जी टी में तुम्हारे पूरे अः सिर्फ आधे आधे लोग काम करते हैं एच जी टी हाफ ग्रुप टास्क फाइनल ग्रुप टास्क में सारे बच्चे अब कोई बोले कि यार मैं ना पीजीटी में भी आइडिया नहीं अप्लाई कर पाया एजीटी जी में भी नहीं कर पाया कमांड में भी कुछ नहीं उखाड़ पाया तो भाई अब फाइनल ग्रुप टास्क में कर दो दिस इज योर चांस नाउ फाइनल ग्रुप टास्क में अगेन पूरा का पूरा ग्रुप इकट्ठा होगा पूरे दस के दस लोग टास्क परफॉर्म करेंगे फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि ये ऑब्स्टिकल स्लाइटली बड़ा होगा मतलब स्टार्ट लाइन और एंड लाइन के बीच में काफी सारे वो होंगे हार्डल्स होंगे जो तुम्हें क्लियर करने होंगे क्यों क्योंकि अब तक तो तुम अवेयर हो बहुत सारी चीजों से बहुत सारी चीजें देख ली तुमने तो अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना बनता है ठीक है तो यहाँ पे अगेन सेम चीजें होंगी सेम तरीके से तुम्हें फिनिशिंग लाइन से एंड लाइन पे जाना है नथिंग एल्स इसमें टाइम तुम्हें 10 से 15 मिनट दिया जाएगा या तब तक दिया जाएगा जब तक तुम कंप्लीट नहीं कर पाते यूजुअली पंद्रह मिनट से पहले पहले कंप्लीट हो जाता है क्योंकि बाय दिस टाइम यू ऑल विल बी एबल टू कंप्लीट दी यू ऑल विल बी एबल टू गेट आइडियाज कि हाँ यहाँ से ये यह करना है कुछ लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं उन्हें कुछ नहीं आता बट फिर भी वो देख देख के सीख जाते हैं अब तक तो ठीक है ये था नाइन्थ टास्क तुम्हारा और इसी के साथ तुम्हारा जीटीओ खत्म होता है अब कुछ पॉइंट्स एंड जनरल पॉइंट जो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे डाउट्स आने से पहले ही सबसे पहले जीडी टास्क वाइज बता देती हूँ वापस चलते हैं जी पे ठीक है जी पे जी पे सबसे पहले क्या होगा तुम्हें क्या करना होगा लाइक माई द रीजन कि आज इतने बच्चे कम क्यों हैं मे बी बिकॉज ऑफ द टाइमिंग्स कल भी क्लास पांच बजे होगी ठीक है ओके okay, जी डी यू हैव टू रिमेन अपडेटेड इन करेंट अफेयर ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बिकॉज जब तुम्हारे पास नॉलेज होगी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा किसी ने बोला था हाउ टू ओवरकम शिवरिंग कॉन्फिडेंट हो गए अगर तुमनेट की तैयारी से करी है नर्वसनेस होती है उस, उस पेपर को देने में क्यूँ होती क्योंकि तुमने तैयारी अच्छे से करी है तो किसी भी चीज की तैयारी अच्छे से करोगे तो मुझे नहीं लगता की तुम शिवर करोगे या नर्वस हो गए हम तभी होते हैं जब हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता या तैयारी कॉन्फिडेंस तब नहीं होता जब तैयारी नहीं करी होती तो उस लेवल की

सिर्फ फैक्ट्स दे दोगे तो उससे काम नहीं चलेगा बिकॉज फैक्ट्स तो एक फैक्ट है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ आया ग्रुप डिस्कशन इज अ डिस्कशन जहां पे तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो तो फैक्ट दो लेकिन अपना जो तुम पॉइंट रख रहे हो ना उसको सपोर्ट करने के लिए तुम फैक्ट दे सकते हो लेकिन सिर्फ फैक्ट दोगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि उससे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नजर नहीं आ रहा ठीक है फैक्ट देना बहुत अच्छी बात है बिल्कुल दो तुम मतलब इट विल गिव यू एन अपर हैंड ओवर अदर्स बट अगेन यू हैव टू गिव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि अगर तुम सोचते हो ये तो ये क्यों सोचते हो जस्टिफिकेशन जैसे पीपीएन में बताया था मैंने कि फ्रेंड आई फील कि हमें इसको फ्लड लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए बिकॉज इन दी स्लाइड इट वॉज विजिबल की बहुत पानी ऐसे ऊपर आ रहा था और बहुत उसे जो भी तुम्हारी रीजनिंग है वो तुम दोगे वैसे ही यहाँ पे जब तुम कोई भी पॉइंट बोलोगे उसके साथ तुम जस्टिफिकेशन भी दोगे लेकिन एक्सप्लेन नहीं करोगे जाओ, जाओ, एक एक बार बार अलग अलग तरीके से नहीं बोलना अगर तुमने एक पॉइंट बोल दिया अच्छी बात है अब उसको दोबारा जब तुम्हें मौका मिले बोलने का पहली बात बहुत बहुत रेयरली मौका मिलता है बोलने का अगर तुम इतने ज्यादा नहीं बोलते हो तो अगर मिल जाए मौका मिलने बोलने का दोबारा तो इस तरीके से बोलना कि जो पॉइंट तुमने पहले बोल रखा है वो पॉइंट तुम दोबारा ना बोलो एक अलग पॉइंट बोलो ठीक है उसके बाद तुम किसी को भी काउंटर नहीं करोगे क्योंकि ये डिस्कशन है ये डिबेट नहीं है तुम्हारे खुद के नंबर जाएंगे किसी को भी तुम ये नहीं बोलोगे नो नो आई डोंट आई डोंट एग्री विद यू एग्री कर रहे हो तो बोलो कि यस आई एग्री विद यू एंड एडिंग माय पॉइंट विद योर पॉइंट या जो भी जो भी बोलना है वो करोगे अगर एग्री नहीं करते तो मुंह बंद करके बैठे रहोगे तुम कभी ये नहीं बोलोगे आई डोंट एग्री विद यू बिकॉज दिस इज अ डिस्कशन हो सकता है तुम एग्री नहीं कर रहे पर उसका वो वाला वो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बाद में यू विल गिव एवरीबडी अ चांस टू स्पीक ठीक है अगर कोई नहीं बोल पा रहा तो तुम बोलोगे ओके फ्रेंड्स आई थिंक दिस चेस इज ट्राइंग टू स्पीक एंड शी ही और शी इज नॉट गेटिंग टाइम टू स्पीक सो लेट दिस चेस्ट नंबर लेट दिस चेस नंबर स्पीक तो ये तुम करोगे यू विल गिव चांस टू अदर्स ये सारी क्वालिटीज तुम्हारी दिखेंगी और बोलते हुए डिस्कस करते हुए जीटीओ की तरफ मत देखना पीछे ये तुम्हारा ओवर स्मार्टनेस में आ जाएगा अगर गलती से ना जीटीओ ने और तुम्हारा आई कॉन्टेक्ट हो गया नंबर कट जाएंगे तुम्हारे स्पीक टाइम बट इफेक्टिवली तुम्हें ज्यादा बक 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 नहीं करते रहना कि ग्रुप ही तुमसे परेशान हो जाए ऐसा मत करना वहां पे दो तीन बार बोलोगे ना मोर देन इनफ होगा क्योंकि जब तुम बोलोगे सामने वाला सुन लेगा और दो तीन बार बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि भाई इफेक्ट पड़े

की ये है वही वाली बात की स्ट्राइक ओनली वेन द आयरन इज हॉट जब मौका मिले तब बोलो और ऐसे बोलो कि इफेक्ट पड़े उसका इम्पैक्ट पड़े ताकि लोग बोले कि हाँ ही और हैज गिवन गुड पॉइंट ठीक है उसके बाद तुम दूसरों के पॉइंट को सपोर्ट करोगे काउंटर नहीं करोगे लेकिन सपोर्ट जरूर करोगे उसके बाद तुम अननेसेसरी हैंड जेस्टर नहीं करोगे देखो ये लोग बैठे हुए हैं जीडी में ये दिख रहे हैं ये सब बैठे हुए हैं अब इतना तो नॉर्मल है लेकिन अगर कोई एकदम ही झुक के क्योंकि कोई होता है कि बहुत पीछे बैठ जाते हैं तो आ, तुम्हें लगता है या किसी की हाइट छोटी है तो उन्हें लगता है कि यार ठीक है आ, मैं मैं अगर बहुत ही झुक के बात करूं और ऐसे ऐसे एक दूसरे की तरफ देखूं तो ही वो मुझे देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जहां बैठे नॉर्मली बैठे रहो रोबोट की तरह बैठने की जरूरत नहीं है नॉर्मल हैंड जेस्टर चलते हैं जैसे मैं बैठी तो नॉर्मल ऐसे की ओके फ्रेंड आई फील दिस इतना चलता है और नॉर्मल ऐसे बेटर हो गए तो भी चलेगा बट ये ये करते रहोगे नो दिस हैज गिवन गुड ये नहीं चलेगा यहाँ पे वो सब नहीं करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं जीपीई पे आते हैं जीपीई पे में देखो मैं एक लेक्चर लेके आ जाऊंगी ये तो मैंने सोच लिया है क्योंकि बहुत बड़ा है ये बहुत बड़ा टॉपिक है बहुत सी चीजें हैं इसमें अः उसके अलावा वैसे बता दू कि ये बहुत ही सिंपल चीज है बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम होती है तो मैं दिखा देती हूँ रुको मुझे ये एंड करना पड़ेगा इन श्यो जीपी जीपी मेरी स्क्रीन विजिबल है स्क्रीन विजिबल है जीपी खोलने दो प्रत्युष यू वांट टू से समथिंग ओनली द पावर पॉइंट इज बीइंग शोन नॉट द बैकग्राउंड ठीक है ओपन रीड कॉपी ठीक है नहीं यार ये नहीं है जस्ट अ सेकंड अच्छा ठीक है मैं जीपी तुम्हें कल दिखाऊंगी कि यहाँ पे नहीं है मेरे पास अभी ये सिर्फ राइटअप है पहले मैप भी बनाया हुआ है तो वो मैं तुम्हें कल ही दिखाऊंगी जस्ट कल मैं तुम्हें सबसे पहले जीपी दिखा दूंगी कि किस तरीके का मैप होता है क्या कैसे वो राइटअप होता है ठीक है वो मैंने कल ही बनाया था बट वो पीडीएफ फॉर्म में दैट इज इन माई मेल और अभी मेल खोलने बैठूंगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा या खोल लू ठीक है मुझे दो मिनट का टाइम दो स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन वापस से वो एनोटेशन वाला सीन होगा तो ये सब मत करना कि तुम स्क्रीन पे लिखने लग जाओ कुछ कुछ ठीक है अच्छा आज कम बच्चे इसलिए क्योंकि ज्वाइनिंग लिंक नहीं मिला बट ज्वाइनिंग लिंक तो हम पहले ही डाल देते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स प्रायर ठीक है 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 दिख दिख रही है? आप दिख रही है तुम्हें स्क्रीन स्क्रीन विजिबल ये इस तरीके की जीपी है मुझे जूम करने दो ये मैंने कल ही बनाई थी ये रफ बनाया मतलब जितना मुझे लगा उस तरीके से मैंने बनाया जैसे मैं राइट अप बोल रही थी ये थोड़ा सा और कर लेती ठीक है दिख रहा है सबको सही से, से कुछ लोग फ़ोन होंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती बट इस तरीके से होगा ये है यहाँ पे लिखा है रायपुर आगे 20 किलोमीटर है तो ये 20 किलोमीटर का ये मतलब ये है कि ये 20 किलोमीटर इसका मतलब ये है कि ये रोड यहाँ पे खत्म हो रहा है ना तो इससे आगे बीस किलोमीटर और है रायपुर वैसे यहाँ पे रामपुर यहाँ पे भी रायपुर ही लिखा है अगर इस रास्ते से जाओगे तो ये जितना बना उतना प्लस दस किलोमीटर और होगा रायपुर इस रास्ते से जाओगे तो जितना बना उतना प्लस बीस किलोमीटर और होगा इस तरीके से ये रेलवे ट्रैक बना हुआ है ये जो भी मतलब प्रॉब्लम थी वो एक प्रॉब्लम थी कि पेड़ जो है ये रेलवे ट्रैक पे मेन पॉइंट के नियर गिरा हुआ है और ये विलेज है ये बोट हाउस है ये रिवर है तो तुम्हारे पास बहुत से तरीके हैं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के जैसे मैंने कहा था कि एक कार ओवरटर्न हो गई रोड जंक्शन पे तो यहाँ पे रोड जंक्शन का है ये रहा रोड जंक्शन तो यहाँ पे कहीं पे कार ओवरटर्न हो गई ड्राइवर इन है वो ना रिपेयर पार्ट लेके जा रहा था क्योंकि उसे गैस प्लांट पे पहुंचाने थे अगर पांच बजे से पहले ठीक तो मैं टाइम भी दिया होगा अगर पांच बजे से पहले ठीक नहीं हुआ तो फिर गैस जो है वो लीक हो जाएगी और अगर पॉइजनस गैस लीक हुई तो बहुत सारी डेथ होगी कितना कुछ होगा तो ये ये प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम हो गई तीसरा ये है कि पेड़ गिरा हुआ है ट्रेन यहाँ को क्रॉस करेगी पांच बजे चौथी प्रॉब्लम हो गई पांच सॉरी तीसरी प्रॉब्लम हुई चौथी प्रॉब्लम क्या होगी कि एक लेडी है बहुत ही थकी हुई आई है उसके पास सेरेमोनियल ड्रेस है बट वो थक गई और उसे वो सेरेमोनियल ड्रेस यहाँ पहुंचा बनानी सोनी विलेज में तो वो तुम्हारी हेल्प मांग रही है ये चौथी प्रॉब्लम हुई अब इन प्रॉब्लम में से तुम्हें ना फाइंड आउट करना है रोटेट करने दो ये रहा राइट अप दिस इज द राइट अप एक मिनट दिस इज द राइट अप दिस वन इसको मैं बड़ा कर लो ये रहा राइट right ऐसा सा कोई राइटअप होगा यू आर अ ग्रुप ऑफ टेन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कम फ्रॉम रामपुर वाया हाफ एन आवरली बस सर्विस बिटवीन रामपुर एंड रायपुर रायपुर एंड वाइस वर्सा अ कैंपिंग ग्राउंड पे मतलब कैंप सेटअप करने के लिए कैंप जब खत्म हुआ तो तुम रोड जंक्शन पे पहुंचे जहां तुमने देखा कि एक ड्राइवर ओवरटर्न हो गया था और वो प्रोफेसरी ब्लीडिंग फ्रॉम हिज हेड बट बिफोर बिकमिंग अनकॉन्शियस ही इन्फॉर्म दैट ही कैरिंग रिपेयर पास टू द गैस प्लांट तो जैसे ही ये सब वर्ड्स आते जाएंगे ना तुम मैप भी देखते जाओ कि अच्छा यहाँ पे प्लांट है 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 पे ये सब ठीक तो जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑलरेडी बोल चुकी वही यहां लिखी हुई लास्ट में लिखा होगा की तुम्हें साथ साथ में अभी जो टाइम हो रहा है वो चार बज रहे हैं और तुम्हें सात बजे तक अपने आ, कॉलेज रामपुर भी पहुंचना है तो अब तुम्हारे पास टाइम कंस्टेंट भी है तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स भी है लेकिन तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी है अब रिसोर्सेज कैसे हैं देखो दिखाती हूँ तुम्हें रिसोर्सेज रिसोर्सेज क्या क्या हो गए जैसे बोट हाउस है बो, अगर पेड़ गिरा है पेड़ को उठाना है साइड करना है तो बोट हाउस में इक्विपमेंट वगैरह होंगे नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे तो बोट वोट लाने के लिए रस्सियां वसियां होती होंगी इनके पास में यहाँ पे ये तुम्हारा रिसोर्स हो गया बाकी तुम आठ दस लोग वो तुम्हारे पास रिसोर्स है हाफ एन आवरली बस सर्विस है वो तुम्हारा रिसोर्स है क्योंकि अगर बंदा इंजर्ड है तो उसको तुम्हें लेके जाना पड़ेगा ना हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले जाओगे तो वो कहाँ आएगा तो अब ये रिसोर्स तो यहाँ लिखा नहीं है कि कहीं हॉस्पिटल है बट इफ इट इज अ इट्स अंडरस्टूड कि सिटी में हॉस्पिटल होगा तो ये होते हैं वो रिसोर्सेज जो अंडरस्टूड होते हैं ठीक है अगर मान लो यहाँ कहीं एमएलसी होती यहां तो नहीं है बट बहुत से मैप में होगी तुम सर्च करोगे गूगल पे तो दिखेगी तो एमएलसी तुम्हारा एक रिसोर्स है मान लो ट्रेन को रुकवाना है कुछ करना है तो एमएलसी के थ्रू तुम रुकवा सकते हो गैस प्लांट ये रिवर है ये तुम्हारा एक रिसोर्स हो गया पहुंचने का तुम बोट में भी जा सकते हो क्योंकि ये डाउन में जा रही है यही तुम्हें पहुंचना है तो ये बहुत सारी चीजें हैं ये जो तुम्हें ये दिख रही है डॉटेड लाइन दिस इज कॉल्ड अनमेटल रोड ये अनमेटल रोड का मतलब होता है यहाँ पे ये पक्की गाड़ियां नहीं जा सकती बट बाइक वगैरह आराम से जा सकती है ठीक है और ये रहा मेटल रोड ये तो चलता फिरता रोड है इसे नेशनल हाईवे समझ लो तुम ऐसे करके तुम्हारी जीपी बनती है स्टॉप करने दो ये रहा बाकी इसके ऊपर एक लेक्चर वगैरह ले आऊंगी मैं डिटेल में आगे बढ़ते हैं अभी वो नहीं चलेगी व्हाट इज एम अरे यार मैं बता ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगी जीपी से रिलेटेड डाउट्स मत पूछो गाइस इसका एक लेक्चर लेके आ जाऊंगी मैं यूट्यूब पे देर आर मेनी अदर थिंग्स टू कवर Uh, उसके बाद क्या था कहाँ पहुंची थी मैं ठीक है जीपी वेरी वेरी सिंपल होगी प्रॉब्लम से तुम्हें समझ आ गया कि कितनी सिंपल है तो उसी से तुम्हें फिर देखना होगा कि कौन सी प्रॉब्लम किस प्रायोरिटी को लेती है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है कि यार ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी है इसे हमें इसको पहली प्रायोरिटी मिलती है अब ये मत कन्फ्यूज करना की एक-एक एक प्रॉब्लम एक को को तुम पहले सॉल्व कर रहे हो, फिर दूसरी करोगे, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रायोरिटी दोगे तुम प्रॉब्लम को सॉल्व तुम साइमल्टेनियसली करोगे ठीक है तो आई राइट माय प्लान आल्सो आई आई गिव दिस लाइक जीपी का ये दोनों चीजें और मेरा प्लान आई ऐड इट इन द पीपीटी कि किस तरीके से प्लान लिखोगे तो सबसे पहले अगर इंजर्ड आदमी है तो मान लो मैंने उसको प्रायोरिटी दी बिकॉज ही इज ऑलरेडी इंजर्ड एंड ही ही नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट अदरवाइज मे लाइफ तो उसको प्रायोरिटी दे दी तो सबसे पहले तुम ये बताओगे कि यू आर अ ग्रुप ऑफ टेन टेन यू आर एट दिस बता दिया जाएगा कि तुम कहां हो तो यू आर एट दिस टाइम नाउ इज ये वी आर फेसिंग फोर प्रॉब्लम्स प्रायोरिटी वाइज दीज आर तुमने प्रायोरिटी वाइज प्रॉब्लम्स लिख दी उसके बाद तुम अपना प्लान लिखना स्टार्ट उसके बाद तुम रिसोर्सेज लिखोगे जो जो मैंने अभी बताया रिसोर्सेज सारे वैसे तुम सारे रिसोर्सेज लिखोगे कि ये ये तुम्हारे अकॉर्डिंग रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज अवेलेबल सारे रिसोर्सेज लिख दिए उसके बाद लेट से अगर तुम लोग यहाँ पे तो हम हाफ एन आवरली बस सर्विस में आए थे बट लेट से अगर तुम आए होते आ, आ, साइकिल से तो जस्ट अ सेकेंड साइल सर इज देर इज एन अपडेट तुम सबकी सी डी एस की करंट अफेयर की साढ़े सात बजे क्लास है यूट्यूब पे लाइव क्लास तो वी आर गोइंग टू रेपिड अपन फिफ्टीन मिनट्स वैसे खत्म हो ही गया ठीक है तो हाँ प्रायोरिटी ले ली प्रायोरिटी वाइज प्रॉब्लम लिख दिया रिसोर्सेज लिख दिया अगर तुम बाईसाइकिल से आए होते ऐसी स्टोरी होती कि तुम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तुम लोग बाईसाइकिल से पिकनिक मनाने हैं तो बाईसाइकिल जो है वो भी तुम्हारे वन ऑफ द रिसोर्सेज होंगे बस मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ आउट की तुम्हारे रिसोर्सेज क्या क्या है तुमने रिसोर्सेज लिख दिया रिसोर्सेज के बाद तुम अपना पूरा प्लान लिखोगे की टीम ए लाइक वी विल मेक फोर टीम this, टीम ए विल डू दिस टीम बी विल डू दैट ये सब लिखोगे ठीक है यही तुम्हारा प्लान होता है उसके बाद में आ, क्या होगा के बाद में, तुम्हें ध्यान मैंने ऑलरेडी बोल दिया हाफ एन आवरली बस सर्विस है ये मत सोचना की हाफ आवरली बस सर्विस है हाफ एन आवरली बस सर्विस का मतलब ये हुआ कि वो साढ़े छह साढ़े पांच पांच ऐसे जाएगी आवरली बस सर्विस का मतलब है अगर पांच बजे चलेगी तो अगली छह बजे जाएगी ठीक है वैसे ही तुम्हें ये भी पता होना चाहिए तुम्हें एवरेज स्पीड पता होना चाहिए बस की बाइक की फुट की ऑन फुट की ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन की ये सारी एवरेज स्पीड तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि ये सब भी तुम्हारी प्लान में आएंगी अम्म उसके बाद ये सब हो गया ठीक है पीजीटी एच जी टी एफ जी टी एंड सी टी मतलब जितने भी ये ग्राउंड वाले टास्क थे जिसमें तुम्हें तुम्हें आइडियाज अप्लाई करना था यही ध्यान में रखना है कि तुम्हें कोई भी रूल नहीं तोड़ना है जो उसमें होश वाली बात नहीं करनी है उसके बाद में कीप अप्लाइंग ठीक है अपना आइडिया अप्लाई करते रहो अगर एक आइडिया फेल हो गया डोंट लूज होप दूसरा आइडिया अप्लाई करो अगर uh, वो भी फेल हो रहा है तो अप्लाई करते रहो या फिर अगर कोई दूसरा तुम्हें लग रहा है कि उसने अच्छा आइडिया दिया है तो उसका आइडिया अपना लो और उसका

डोंट वेस्ट योर टाइम इन रनिंग इस तरीके से अपना माइंड फ्रेम करना है कि तुम्हें इस तरीके से ऑब्स्टिकल स्टार्ट करना है कि ज्यादा टाइम तुम्हारा ऑब्स्टिकल करने में वेस्ट हो इस बात में वेस्ट ना हो कि तुम एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल पे भाग रहे हो बिकॉज अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग मार्क्स जो तुम ऑब्स्टिकल कर रहे हो यू वोट गेट एनी मार्क्स फॉर रनिंग जो तुम रनिंग में वेस्ट करो लेट से एक ऑब्सटिकल यहाँ एक ऑब्स्टिकल यहां है और इसके बीच में इतने सारे ऑब्स्टिकल है और कोई बेवकूफ यहाँ से सीधा भाग के ये कर रहा है उतनी देर में वो ये सारे ऑब्स्टिकल कर देता है क्योंकि उसका भागने में तो टाइम वेस्ट हो ही गया ना तो इस तरीके से वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड को ध्यान में रखना उसके बाद डोंट डोंट स्टैंड यू हैव ठीक है लेक्चर में तुम्हें वही टॉपिक चूज करना है जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो वही टॉपिक चूज करोगे और वो तुम तुम्हें कैसे आएगा अगेन रिमेन अपडेटेड विद करंट अफेयर वॉच न्यूज एज एस मच एज यू कैन अगर तुम्हें ये सब आता होगा तो तुम अच्छे से बोल पाओगे अभी से प्रैक्टिस करो बोलने की नोट बनाने शुरू करो मैंने खुद ने तुम्हें कल लास्ट डे है ना दिखाऊंगी तुम्हें अपनी कॉपियां कि कितने खुद ने मैंने नोट्स बनाए बनाने पड़ते हैं देखो या तो तुम बहुत अच्छे हो शुरू से तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं अब मेरे जैसा कोई होगा जिसे कुछ नहीं आता था आई वॉज अ गर्ल हु हुट इवन स्पीक वन लाइन इन इंग्लिश आई हैड टू प्रैक्टिस तो अगर मेरे जैसे तुम लोग हो यहाँ पे बहुत बैठे हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तैयार हो जाओ ऐसा नहीं है कि मेहनत करोगे और फल नहीं मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा ठीक uh, है उसके बाद तुम्हारी सीक्वेंस लेक्चर में क्या करोगे सीक्वेंस में लेक्चर बोलोगे ऐसे हॉश पॉश नहीं करोगे पहले इंट्रोडक्शन दोगे प्रोज कॉन्स बताओगे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताओगे फिर फ्यूचर बताओगे इससे तुम्हारा सिस्टमैटिक भी लगेगा और तुम भूलोगे भी नहीं uh, उसके बाद में uh, हाँ ज्यादा फैक्ट नहीं देने जी में भी लेक्चर में भी तुम्हें अपना ओपिनियन देना है वो ज्यादा मैटर करेगा ठीक है उसके बाद में यू डोंट हैव टू स्टैंड और सिट लाइक अ रोबोट रोबोट नहीं हो तुम मैंने लोग देखे तुमने वो कैसा लेक्चर देते हैं एकदम ऐसे मतलब ऐसे हाथ पीछे अच्छा किसी ने पूछा था विश्राम करके खड़े होकर लेक्चर दे सकते हैं हाँ भाई वैसे ही खड़े होकर लेक्चर देना है तुम्हें लेकिन अगर तुम्हारे हाथ आगे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें अगेन वही बहुत ज्यादा जेस्टर नहीं कर देना हाथों का बट नॉर्मल चलता है जैसे तुम्हें यू आर नॉट अ रोबोट तो स्माइल

सारी टेंशनें भूल जाओ अपने आप तुम्हें कमांड टास्क में भी बुलाएंगे और अपने आप तुम्हारे दोस्त बनेंगे तुम्हें डर भी नहीं लगेगा उसके बाद यू uh, डोन्ट का ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ uh, उसके बाद में अपने फेस में मत आने दो अगर तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा तो कमांड टास्क में कीप काम अगर जी बोल भी रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो तुमसे हो नहीं रहा है इस तरीके से तुम्हें बोलेंगे कोई बात नहीं, सिचुएशन अगर आइडिया के नंबर नहीं मिले तो कामनेस के तो मिलेंगे तो बस वही है तो इतना ही था जी में और खत्म करने का भी टाइम आ गया कुछ एक आधे डाउट अगर मैं लेना चाहूँ तो रुको एक

हर किसी की अलग पर्सनालिटी है मेरी एक अलग पर्सनालिटी है मैं तुम्हें बोल दू तुम ये जाके वहां पे करना और ये मान सकते हैं कि श्रवण की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मैंने बताया लेकिन वो गौरव की पर्सनालिटी में फिट बैठेगा क्या नहीं बैठेगा इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो बेटर जो तुम हो कैसे तुम हो जैसे भी हो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो अगर तुम्हें लगता है तुम में ये कमी है तो राधर देन राइटिंग इट हेयर की मैम मुझे इसमें कमी लग रही है प्लीज मुझे तरीका बताओ तुम्हें खुद को पता है सर्च करो SSB से रिलेटेड डाउट है तो वो पूछो डेफिनेटली आई हेल्प यू आउट ठीक है मैम इफ वी कम्पलीट बिफोर थ्री मिनट बी स्टार्ट फ्रॉम लास्ट ऑब्स्टिकल फॉर बोनस पॉइंट हाँ भाई तुम कुछ भी कर सकते हो मैंने क्या अच्छा तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स कहाँ पे है क्या सुनते हो तुम लोग दो घंटे का सेशन था हर चीज बता चुकी हूँ यू नो हाउ इरिटेटिंग इट टू रीड द डाउट इन द लास्ट सेम जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंड बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वेर आर यू लिसनिंग स्किल्स हाउ आर यू सपोज टू गेट रिकमेंडेड लिस्ट वन पॉइंट वेरी केयरफुल एंड अगेन यू आस डाउट सेम डाउट तो यही मैं बोल रही हूँ कि अपनी रियल लाइफ में अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर लो आप पूछोगे कि मैम रियल लाइफ में कैसे इम्प्रूव कर लें यही तो इम्प्रूव करो कि ध्यान से सुनो कॉमन सेंस अप्लाई करो यही रियल लाइफ में इम्प्रूव करोगे ऐसे ही इम्प्रूव करोगे अगर तुम्हें लगता है तुम रूड हो तो रूड मत हो यू नो आई हैव सीन पीपल जो वेटर्स के साथ या जो हमसे स्टेटस में थोड़े नीचे हैं उनसे मिसबिहेव करते हुए डोंट डू दैट गाइस अगर तुम बोलते हो तुम हेल्पफुल हो तो हेल्प सच में करो दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव योर पर्सनालिटी इन रियल लाइफ और रियल लाइफ में इंप्रूव करोगे तो एसएसबी में तुम्हें फेकनेस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है न आई गेट रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ योर लास्ट लेक्चर्स आएम न्यू हेयर आई ज्वाइन इवन लेट टूडे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे वो तुम्हें पांच दिन के बाद आज चौथा दिन है पांचवा दिन वो तुम्हें अगले दो दिन के अंदर लेक्चर मिल जाएंगे पूरी पीपीटी मिल जाएगी हर चीज मिल जाएगी डिफेंस मीनिया एप पे और कोर्स पे एंड गाइड दो आर आस्किंग डाउट लाइक मैम अच्छी स्टोरी कैसे बनाए इनोवेटिव स्टोरी कैसे बनाए एसआरटी के एग्जाम्पल वगैरह आई नो मैंने बोला वह है, मैं लेके आऊंगी दो तीन एग्जाम्पल दिखाऊंगी वर्ड्स के दिखा दूंगी वो मैं कल दिखा दूंगी क्योंकि कल इंटरव्यू है वो छोटा सेशन

नो प्रॉब्लम बट आई विल कवर ईच एंड एवरी डाउट तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट देर आर सर्टेन अदर थिंग्स विच आई वॉन्ट टू टेल यू जस्टिस टाइपिंग कंप्लीट हाँ सुनो रियल लाइफ की बात में एक बहुत ही दो मेन चीजें सुन लो और उन लोगों को भी, भी बता दो हैं ना स्पेशल को एस पी एल और ऑब्स्टिकल को ओ बी एस टी एल ई ये सब करना छोड़ दो वहां पे तुम्हारा दो घंटे का रिटर्न टेस्ट है गाइज तुम्हें पता है तुम जब अभी लिखने की प्रैक्टिस शुरू करोगे ना तुम लोग यही करोगे फ्रेंड्स को तुम एफ आर एन डी एस लिखोगे या फिर एस आर टी में तुम यही करने वाले हो क्यों क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस ही वही है यही है ना इसीलिए अभी से बता रू आई हैड टू टू डू दिस बिकॉज आई राइट शॉर्ट तो अभी से यू इफ यू वॉन्ट टू डू स्कोर गुड इन साइकोलॉजिकल टेस्ट क्योंकि वो रिटर्न टेस्ट है प्लीज डू नॉट राइट इनकम्प्लीट फ्रेंड्स है तो एफ आर आई ई एंड डी एस ही लिखा जाएगा उसको उसी तरीके से लिखो अपने डाउट पूछ रहे हो पूरा उसी तरीके से लिखो ठीक है शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो जब रिटर्न टेस्ट में स्टोरीज लिखने जाओगे ना तो वो गलतियां हो जाएंगी और गलतियां करोगे तो वहां पे वो एफ आर एन डी एस में नंबर नहीं मिलेंगे तुमको तुमको पूरी स्पेलिंग में नंबर मिलेंगे तो अब इसे उसी चीज की तैयारी स्टार्ट कर दो ये दो पॉइंट है जो तुम्हें बताना चाह रही थी मैं क्योंकि हम नॉर्मली व्हाट्सएप पे बहुत बातें करते हैं इंस्टा पे बातें करते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बिकॉज आर मोटिव इज टू बट वहाँ पे तो प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी इसीलिए स्टार्ट करो कि स्पेलिंग के साथ टाइप करो जहां पर कैपिटल लेटर आएगा वहां कैपिटल लिखो जहां स्मॉल आएगा स्मॉल लिखो जहां कॉमा आएगा कॉमा लिखो दैट्स हाउ यू विल डेवलप इट दैट्स हाउ यू विल डेवलप हैबिट तो ये चीज करो शॉर्ट फॉर्म लिखना बंद कर दो उसके बाद um, अच्छा समबडी doubt मैम आपने बताया था uh, कि बीस मान लो बीस वर्ड आए इक्कीस में डाउट आया इक्कीस वर्ड ट्वेंटी फर्स्ट वर्ड का सेंटेंस हमें नहीं बना पाए तो आगे नहीं करना है मैंने ऐसा नहीं बोला वेयर इज योर लिसनिंग स्किल मैंने ऐसा बोला कि ट्वेंटी वर्ड आए तुम्हें और ट्वेंटी फर्स्ट तुम्हें नहीं आया और उसके बाद तुम्हें छोड़ देना है ये नहीं करना है कहा क्या सुन रहे हो क्यों बैठे हो दो घंटे के लेक्चर में जब ये डाउट पूछ रहे हो तुम तुम्हें तो पूरे के पूरे वर्ड करने हैं जो वर्ड का मतलब नहीं आए समझ में और तो बोला है मैंने कि गलत सेंटेंस मत बना देना गलत वर्ड समझ के गलत सेंटेंस मत बना देना उसे छोड़ देना चलेगा अगर एक दो वर्ड ब्लैंक छोड़ोगे कोशिश यही होनी चाहिए कि पूरे के पूरे करो एस में कोई भी एस तुम बीच में नहीं छोड़ोगे ये हो सकता है कि ठीक है बाय बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस लो हैंड राइटिंग रीजन यू कुड कंप्लीट ओनली फोर्टी फाइव चलेगा मान लो स्लो हैंड राइटिंग की वजह से तुम 30 कर पाए 35 से कर पाए, बट अगर तुमने पचास भी एस आर टी करी होंगी ना और उसमें से एक बीच में कोई छोड़ दिया दैट मीन्स की अगर तुम उस सिचुएशन में तुम्हें डाला जाए तो तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है वो चीज तुम्हें नहीं करनी है वहां पर कल का टाइम जो होगा वो पांच बजे का ही है जूम लिंक विल बी शेयर टू एवरीबडी बाकी टेल योर फ्रेंड्स आल्सो टू कम इफ ऑल द डाउट्स आर कवर बी टूमोरो विल बी द फाइनल डे अगर नहीं होते हैं कवर टूमोरो तो फिर विल एक्सटेंडेड टू वन मोर डे दैट्स इट फ्रॉम माई साइड जो कुछ लिखना है अभी लिख लो यूर गिवन फाइव मिनट्स और एल्स यू कैन स्टार्ट लिविंग वेलकम जय हिंद अच्छा ठीक है स्क्रीनिंग कोर्स में अपडेट कर दूंगी उसमें क्या अपडेट करना है सारी चीजें तो पढ़ाई हुई है सिर्फ वहां पे तुम्हें नंबर ऑफ सेट्स चाहिए ना और ज्यादा सेट चाहिए तो जब तक वहाँ अपडेट नहीं हो रहे तुम कर सकते हो ना कहीं से भी पिक्चर सर्च करो वहां से कर सकते हो नहीं कर सकते हो आई डेफिनेटली अपडेट दैट आई माइंड एंड गाइज जिसको भी डिटेल में कुछ जानना है कि डिटेल से बता दो मैम स्टोरी बता दो ये बता दो वो बता दो अगर डिटेल में जानना है वी हैव आर कोर्सेज देर इफ यू वॉन्ट यू कैन एनरोल योर सेल्फ गो टू डिफेंस मीडिया एप सर्च फॉर दीज कोर्सेज साइकोलॉजी कोर्स स्क्रीनिंग कोर्स यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग जिसको एक्शन वर्ड्स चाहिए जिसको एस आर टी में चाहिए जिसको बहुत मेरे ही मेरे खुद के रिस्पॉन्स चाहिए गो एंड सर्च यू विल फाइंड एवरीथिंग इन द कोर्सेज घर पे प्रैक्टिस मत करो फिजिकल टास्क के लिए गरिमा गो गो फॉर अ रन जिम करो अगर डेली जैसी जगह पे रहते हो तो यहाँ पे तो ओपन जिम है पार्क के अंदर वो सब करो फिजिकल करो फिजिकल एक्टिविटीज सर्च इन यूट्यूब की हाउ यू कैन गेन योर स्ट्रेंथ एंड देन डू अकॉर्डिंगली अच्छा ठीक है एम सॉरी आई विल ऑफ दिस थिंग टूमोरो Okay, this guy who has given TES 41 and screened out. Now it is uh, his first AFSB. Uh, Niklesh, you will be considered as screen out. I have already written your doubt. It's just that arch cover did But. कल वो हो जाता बट ओके यू विल बी कंसिडर्ड एज स्क्रीन आउट तुमने कहीं से भी एस एस बी दी हो चाहे वो कोई एंट्री हो इफ यू आर स्क्रीनड आउट फर वस देन यू आर अ स्क्रीन आउट कैंडिडेट यू आर नॉट अ फ्रेशर बट डोंट वरी स्क्रीन आउट फ्रेशर एक ही जैसे होते हैं टेंशन की बात नहीं है आफ्टर यू गेट स्क्रीड इन देन यू विल बी कंसिडर्ड एज फ्रेशर ओनली यस yes, जो uh, 151 सेंटीमीटर है या तो तुम अपनी हाइट बढ़ाओ क्राइटेरिया इज 152 सेंटीमीटर एंड लड़कियों के लिए 152 है आई एम 153 फिफ्टी लकीली लेकिन देर आर मेनी कोटा जैसे डोगरा के लिए या फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लिए इफ यू बिलोंग टू दैट रीजन एंड यू हैव अ कोटा देन ऑब्वियसली तुम्हारी हाइट और कम हो सकती है तो यू कैन सर्च फॉर दिस हाइट क्राइटेरिया डेफिनेटली अगर कोई पहले आउट हुआ है और दोबारा एस एस बी में जा रहा है तो रीजन पूछा जाएगा आपसे कि वट डू यू थिंक की तुम पिछली बार स्क्रीन आउट क्यों हुए या पिछली बार कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हुए या मेरिट में क्यों नहीं है डेफिनेटली रीजन पूछेंगे तो तुम्हें तैयार करके जाना है कि तुम सोचोगे तुम इंट्रोस्पेक्ट करोगे दट वट वेंट रॉन्ग तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या क्या गलतियां हो सकती है वही गलतियां तुम वहाँ बताओगे guys those who are not uh, writing any doubt they can leave yes you can see all three classes but not now we will upload once the workshop is over i am not going to cover any personal question because personal questions are varies from person to person i am going to cover the general things First of all, search for administrative branch, Ki what what all roles you are being given in administrative branch, and then justify that, sir. I feel that I'm very good in these days, these, these tasks. For example, let's say AOC, Army, Ordnance, Corp, in Army. I feel that I should go in AOC if given a chance. Then how do I justify it that I am good in maintenance, I'm good in management. So I feel that this role is more suitable to me. That's how you will justify that why you have chosen administrative overflying because you feel that your

कोई ग्रुप नहीं बनाए किसी भी एफ एस बी कैंडिडेट एस एस बी कैंडिडेट एनसीसी कैंडिडेट किसी के लिए कोई ग्रुप नहीं बनाए दिस सेशन फॉर ऑल स्क्रीन क्लास की ड्यूरेशन नहीं है स्क्रीन क्लास में चालीस चालीस मिनट के पैंतालीस पैंतालीस मिनट के लेक्चर्स हैं अपलोड किए हुए मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके ऑलरेडी और भी डिटेल में डाउट्स के साथ तो यू uh, जाओ गो टू द डिफेंस मेन ऐप कौन-कौन सा lecture, किस -किस topic पे सारी चीजें तुम्हें जाएंगी किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी जो भी थ्रेश को पार कर पाएगा जो भी उनका जो क्राइटेरिया उसे मैट करेगा वो कैंडिडेट रेकमेंड होगा एनसीसी कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम कैंडिडेट मैटर जब मैं रेकमेंड हुई तब बहुत अच्छा माहौल था बट वो शेयर करने के लिए और ज्यादा टाइम चाहिए और उससे पहले हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए अगर तुम्हें हैबिट है न, न, करने की तो उस हैबिट को मत करो जस्ट लीव दिस हैबिट क्विट दिस हैबिट और कैसे करोगे स्टार्ट अगर एक बार प्रिपेयर कर रहे हो तो रटना शुरू कर दो चीजों को स्टोरी को बार बार बोलो के आगे बोलो तुम्हारी तो उनकी आदत हट जाएगी बिकॉज मुझे भी थी फी फी इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट दिस सेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट कोर्सेस इट आई डोंट नो बट गो गो टू द डिफेंस मेनी एप्लीकेशन एंड सर्च आउट

नो no, wearing glasses इन ssb do not डू नॉट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस बट जी के लिए कोशिश करना कि तुम लेंस पहनो क्योंकि गिर सकता है चश्मा तुम्हारा तुम्हें कैसे पता कि तुम बॉर्डर लाइन पे हो अभिषेक अपने आप को मैंने क्या बोला है सबकॉन्शियस माइंड में चलने ही नहीं देना कि तुम बॉर्डर लाइन पे हो नहीं हो जो परफॉर्म हो गया हो गया अब ये सोच रहे हैं कि आगे कैसे अच्छा करूं अगर यही सोचते रहोगे यार मैं बॉर्डर लाइन पे हूं तो, तो हो गया बेड़ा गर्क सोचना ही नहीं है साइली गुड कीप इट अप तुम्हारी शेकिंग ऑफ लेग्स तभी खत्म होगी जोय जोय ब्रद शाह तभी खत्म होगी जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कॉन्फिडेंस तभी होगा जब तैयारी करोगे अच्छे से तैयारी कैसे करोगे जीडी की प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करो मिरर के सामने तो सबसे ही बेस्ट है यार प्रैक्टिस करना एक बार तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंस आ गया नहीं तुम्हारी टांगे हिलेंगी अगर तुम्हारी आईसाइट इतनी वीक और तुम्हें पता यू विल बी रिजेक्टेड देन there is no uh, point asking question right either uh, work on your eyesight hote hain bahut sari yoga wagaira aati hain unse theek karo go and search the criteria ki bhai vision ka kitna criteria kya criteria किसने बोल दिया कि if one has a conservative parents interviewing officer tries to roast ऐसा कुछ नहीं होता हर किसी के पेरेंट्स कॉन्जरवेटिव है हम फॉरेन में थोड़ी रह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स इतने ओपन होंगे ऐसा कुछ भी नहीं है इंटरव्यूइंग ऑफिसर नेवर रोस्ट एनी बडी इट जस्ट कि तुम किस तरीके से अपने आंसर दे रहे हो उसी तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अगर तुम ब्लैंक हो गए तो फाइंड आउट द रीजन कि तुम ब्लैंक क्यों हुए एंड वर्क अपॉन दैट रीजन डेली हैबिट्स वाली ऐसी हैं जैसे स्टार्ट गोइंग फॉर रन एक्सरसाइज अच्छे से बात करो सबसे डेवलप लिसनिंग हैबिट और uh, सिर्फ अपना ही मत रखो काउंटर मत करो किसी और को हाउस होल्ड में ममा की हेल्प करो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू रीडिंग हैबिट डेवलप करो करेंट अफेयर हाउ टू इम्प्रूव आइडिया फॉर ग्रुप टास्क एंड ऑल वो तुम सर्च करो वीडियोस देखो ज्यादा से ज्यादा मैम डिड यू अप्लाई फॉर नहीं आई एम नॉट एलिजिबल फॉर फ्लाइंग राज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एम ओनली वन फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर्स हाइट चाहिए होती है हेलो मैम आफ्टर मैरिज एस एस बी के लिए जा सकते हैं क्या गाइज आफ्टर मैरिज का मेरे को सर्च करना पड़ेगा वैसे एनसीसी वगैरह एंट्रीज में आप नहीं जा सकते बट येस होता है इफ यू आर अडो देन यू कैन गो बट उसके बी देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज सर्च फॉर इट इन गूगल गाइज ये सब चीजें मुझे कैसे बताऊंगी इतनी सारी चीजें डिटेल में कैसे बताऊंगी इफ आई हैव 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 टू 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 सी आई 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 सर्च सर्च गो गो तुम्हारे इस डाउट को क्लियर करने के लिए अगेन एंड इन गूगल तो अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम खुद के डाउट को क्लियर करने के लिए क्यों नहीं सर्च कर सकते गो एंड सर्च आज क्वेश्चन जो नॉर्मल है जो एस एस बी से रिलेटेड मिथ है जो तुम्हें लगता है उस तरीके के क्वेश्चन पूछो बिकॉज दैट आई विल बी एबल टू आंसर विच टाइप ऑफ करंट अफेयर इम्पोर्टेंट फॉर ए एफ एस बी कैसे होते हैं करंट अफेयर एवरी टाइप ऑफ करंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ए एफ एस बी जीके इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट जितना आए उतना कम है No, there is no chance of hope अगर तुम्हें ही आउट कर दिया जाएगा बट इफ है मुझे recommend होना है मुझे कम से कम से ये satisfaction चाहिए तो go for it. But medical में you'll be out. But अगर तुम अपनी ठीक कर सकते हो तो एंड गुड मैम वट इज समन गेट्स इमोशनल ड्यूरिंग इंटरव्यू बट गेट्स नॉर्मल शॉर्टली वाई गेट इमोशनल डोंट गेट इमोशनल हेलो हाँ Guys, please start leaving. No more questions. I have already copied and pasted. Syil sir has called Unkia Interviewer. I have already copied and pasted. Please, no more. No more doubts now. I have to end the session. bye bye guys jai hind ending the session